जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला मेरी धड़कनों में मोहब्बत है तेरी, मेरी जिंदगी अब अमानत है तेरी, मेरी जिंदगी अब अमानत है तेरी। तमन्ना है जिन रास्तों पर चले तू, निशा हो वहाँ पे मेरी बंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी।
ऑलराइट, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. वेरी गुड मॉर्निंग. एंड आज बरसों के बाद हम लाइव हैं. तो बरसों के बाद से मुरादी है, दो तीन वीक हो गए. तो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो थोड़ा सा ज़रा ऑफ आ गया इसके बीच में. बट एनी वे, वी आर लाइव. अस्सलाम वालेकुम. आई होप कि आप लोगों को शो अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे. हम बहुत जल्द कुछ नई चीज़ें करने वाले हैं. नया फॉर्मेट है और नई चीज़ें हैं. याद है आप लोगों को, हम जो पुराने शोज़ किया करते थे, दोज काइंड ऑफ शोज़ आर गोइंग टू कम बैक अगैन. वही वाले शोज़ जो हैं वो हम दोबारा आपके पास लेके आएंगे. कुछ सेगमेंट्स होंगे जिनके बारे में हम ट्राई करेंगे, साथ साथ आपको मौका देंगे कि आप किचन के अंदर आके हमारे साथ काम कर सकें, एनी वन एंड एवरी वन. साथ साथ दो कैंपेन्स ऐसी हैं जो हम शुरू करने वाले हैं अपने शो पे. आपको बहुत मज़ा आने वाला है. कुछ आपको याद होगा, जब हम लोगों ने नए नए मॉर्निंग शोज़ करना शुरू किए थे तो हम उसके अंदर बड़ी काम की बातें किया करते थे. नॉट दैट कि अब नहीं होती, अब भी होती हैं, लेकिन उन शोज़ के अंदर बहुत काम की बातें हुआ करती थी. बहुत सारे डॉक्टर्स आया करते थे, बहुत सारे स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो बहुत रोज़मर्रा के काम की होती थी. उसी तरह के मॉर्निंग शोज़ पे हम दोबारा वापस जा रहे हैं, उसी तरह के शोज़ पे हम दोबारा वापस जा रहे हैं. सो मेक श्योर कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें. अच्छा, मज़े की बात, हम तो आपके घर में आते ही हैं ना, मतलब हर रोज़ हर सुबह आप टेलीविज़न को ट्यून करते हैं. लेकिन ये एन मुमकिन है कि आप एक दिन मैं बेल बजाऊँ, आप मतलब आपके घर में बेल बजे, आप दरवाज़ा खोलें और मैं सामने आपके खड़ा हूँ. देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, यू नो पाकिस्तान, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी. मेरे साथ साथ कुछ और लोग भी होंगे जो शो का हिस्सा बनेंगे, और वो कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जो आपके लिए लेके आएंगे. साथ साथ मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप लोग भी इस शो का हिस्सा बनिए और कुछ नए सेगमेंट्स के अंदर मेरे साथ आइए. सो मज़े का शो है, कुछ नहीं करना आपको, सेट बैक, रिलैक्स. वी आर गोइंग टू डू सम रियली गुड शोज़. आपको सिर्फ इंतज़ार करना है. अच्छा, बहुत जल्द हम नया फॉर्मेट अनाउंस करेंगे, बहुत जल्द, अभी नहीं, अभी तो फिलहाल तो यही शोज़ हैं, लेकिन उसके बाद बहुत जल्द हम नया फॉर्मेट अनाउंस करने वाले हैं. बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, बहुत सारे प्राइजेज हैं जो सिर्फ आपके लिए हैं. लेकिन ब्रेक के बाद मिलते हैं. ब्रेक के बाद कुछ खास गेस्ट हैं, कुछ खास मेहमान हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगा. कुछ खास वीडियोज़ हैं जो मुझे आपको दिखाने. साथ साथ अगर आपके घर में कोई ऐसी वीडियो है जो आप हमें भेजना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें कि आपके बच्चे की वीडियो है जो स्पेशली द किड्स, यू नो, जो बहुत फ़नी है और आपको लगता है कि आप, यू नो, आप हमें भेजें, तो आप हमको भेजें. देर इज़ अ प्राइस फॉर इट, एक इनाम है जो हम आपको देने वाले हैं, लेकिन बताऊंगा आपको ब्रेक के बाद. विल बी राइट बैक. गुड मॉर्निंग एंड इट्स गुड टू बी बैक, इट्स रियली गुड टू बी बैक. बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि आज इतने दिन, कितने वीक हो गए थे, तीन वीक हो गए थे, तीन वीक या दो वीक, कितने दिन, दो वीक, हाँ, दो वीक के बाद. सो इट्स गुड. छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद. Thank you very much. Assalamu alaikum once again. Welcome back. And we have got Dr. Nadeem with us. Assalamu alaikum, Dr. Saab, kaise hain? Walaikum assalam, aap kaise hain? Theek thaak, alhamdulillah, alhamdulillah. Aaj Dr. Saab ne mujhe badi mazey ki baat batayi hai. Mujhe kehne lage, dekho kaise transfer hoti hain jeen jo hoti hain, kis tarah se transfer hoti hain. Dr. Saab ke jo bete hain, zara aap bata dijiye thoda sa mujhe hua kya hai. Adil Ashraf, Adil ko baalon ka bahut zyada craze hai. Jaise mujhe apne baal set karne ka, main dekhta hu Adil school jaane se pehle acha khasa time spend karta hai baal set karne pe. Aksar rozana daant padti hai, rozana issue banta hai. और अगर कभी गलती से उनकी अम्मी का हाथ लग जाए तो इतना नाराज होते हैं कि आपने बाल खराब कर दिए. नहीं, लेकिन आपने जो बताया था कि आप कंघा रखते थे, वो क्या था? मैं बिल्कुल जब एन जवानी में बाल, एन जवानी तो आपकी अभी है, अभी तो नहीं इतने ज्यादा, काफी हद तक कम हो चुकी. उस जमाने में बालों का बड़ा शौक था. मैं और डॉक्टर साहब, यू नो, जवानी के फॉर्मूले पे काम भी कर रहे हैं, तो लेट्स सी क्या इंकलाब आएगा. इंकलाब आएगा, तब्दीली आएगी उसमें. बिल्कुल आएगी, बिल्कुल तब्दीली आएगी. अच्छा, तो क्या होता था, आप ये था कॉलेज लाइफ की बात. अच्छा, ये बड़े मजे की बात है, वो तमाम लोग, मैंने आज तक कभी जिंदगी में पॉकेट में कभी कंघा नहीं रखा, लेकिन डॉक्टर साहब पॉकेट में कंघा नहीं रखते थे. डॉक्टर साहब कहाँ रखते थे? सॉक्स में, एक बड़ा सा कंघा होता था, मेरे सॉक्स में रखता था, जेब में आता नहीं था वो. अच्छा, बड़ा था, सॉक्स में रखता था उसको हमेशा. हाँ, और हमेशा वो काफी इस्तेमाल में रहता था मेरे. तो आप क्या करते थे, मतलब? अच्छा, आप मेडिकल कॉलेज में जब थे? जी, मेडिकल कॉलेज में था, इंटर में था जब से काफी. अच्छा, शौक आदिल में ऐसे नहीं ट्रांसफर हुआ. अच्छा, वो जाहिर है वो जीन के जरिए. बिल्कुल, जीन ट्रांसफर. अच्छा, एक बात और बताइए कि जब आपके खवातीन की मौजूदगी में भी कंघा कर लेता था? कर लेते थे, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं. अच्छा, वो आप अपने लिए रखते थे, खवातीन को इंप्रेस करने के लिए? सिर्फ अपने लिए, पर्सनली अपने लिए. पर्सनली अपने लिए. कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई खातून इंप्रेस हुई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ. भाभी के अलावा? भाभी के अलावा, भाभी इंप्रेस नहीं हुई, किया गया उन्हें. क्या मतलब किया गया? अम्मा लेके आई थी. अच्छा, वाकई अरेंज मैरिज थी आपकी? बिल्कुल. आपने शादी से पहले देखा नहीं था भाभी? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा. और शादी के बाद तो देखा ना? बिल्कुल देखा. तो फिर क्या पहला जुमला क्या कहा था आपने? ये तो याद नहीं. बिकॉज इफ आई नो यू, आई डोंट थिंक आपने कॉल्स भी की होंगी. नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं. थोड़ी बहुत कॉल्स की थी.
कॉल्स की थी? ऐसा सच थी, ऐसा कोई कॉल नहीं की। मुझे टाइम ही नहीं था मेरे पास, आपको पता है मेरा स्केड्यूल। हाँ, तो बिल्कुल कॉल नहीं की। बिल्कुल। तो पहली मरतबा जब घर आई तभी बात हुई? बात थोड़ी बहुत हुई थी बस, ऐसे मतलब फर्स्ट टाइम ऐसी बात हुई। ये तो क्या बात की थी, वही बात तो पूछ रहा हूँ। ये तो याद नहीं, मैं क्या बात की थी मैंने, ठीक है। फिर भी अंदाज है, फिर भी अंदाज है, इतना याद नहीं। सारे पहला तोहफा क्या दिया था भाभी को? ब्रेसलेट था गालिबन। ब्रेसलेट था, और उन्होंने क्या दिया था आपको? घड़ी दी थी उन्होंने। घड़ी दी थी, घड़ी है आपके पास वो? घर पे, घर पे पहनते हैं उसे? हाँ पहनते, और हमेशा पहनते हैं? पहनता हूँ जब भी। भाभी चेक कीजिएगा, मुझे लग नहीं रहा कि ये पहनते पहनते हैं, पता नहीं कहाँ रखी हुई वो घड़ी नहीं है, किसको दी हुई है वो पड़ी हुई घड़ी। अच्छा, सो योर वाइफ इज ऑल्सो डॉक्टर? जी, शी इज ऑल्सो डॉक्टर। तो क्या लगता है जब दोनों डॉक्टर्स एक साथ होते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, आप एक दूसरे की फील्ड का पता होता है तो अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे मैं रात लेट आता हूँ, अक्सर मैं रात लेट आता हूँ, उनको पता है कि पेशेंट में है, बिजी है तो लेट आएंगे। ये तो आपने बताया हुआ ना, उन्हें तो बिल्कुल नहीं पता, हरगिज नहीं। मोबाइल फोन ने भी मुसबत कर दिया, आप इधर उधर नहीं हो सकते। अच्छा, इन दिनों आजकल हालात क्या हैं? वेदर फिर चेंज हो रहा है आजकल? बिल्कुल हालात पेशेंट्स के लिए अच्छे। अच्छा, ये क्या बला है? अच्छा, ये बस जरा गौर से सुनिएगा, ये क्या बला है? नेगलेरिया आजकल आम हो रहा है, 15 अमवाद जो है वो हो चुकी हैं। नेगलेरिया क्या है? एक दिमाग खाने वाला कीड़ा समझ लीजिए आप। अमीबा है, अमीबा है जो कि दिमाग के सेल्स को खाता है। और हमारे यहाँ पानी के जरिए जहाँ पर कि प्रॉपर क्लोरिनेशन नहीं हो रही, जिन पानी में प्रॉपर क्लोरिनेशन नहीं है उसके थ्रू ये ट्रांसफ़र होता है, बहुत रैपिडली होता है। चूँकि हमारे स्विमिंग पूल्स वगैरह में सफाई का वो खातर खा इंतज़ाम नहीं होता, इसलिए लोगों से गुजारिश है जहाँ भी स्विमिंग करने जाएँ, जहाँ कहीं जाएँ, पहले मेक श्योर वहाँ पता कर लें कि यहाँ पर प्रॉपर क्लोरिनेशन की हुई है पानी की, तभी उसको इस्तेमाल करें, अदरवाइज ये हाईली डेंजरस चीज़। अच्छा, तो ये जो मिथ्स हैं कि लोगों के घरों में जो पानी आता है उसके अंदर भी निगलेरिया हो सकता है, क्या ये कह सकते हैं? लेकिन इतने चांसेस कम है वैसे, क्योंकि वो हजार में या लाखों में एक हो तो एक अलग बात है, लेकिन वैसे, अच्छा, लेकिन वैसे कम आजकल। वैसे प्रॉब्लम ज्यादा फीवर के हवाले से बहुत ज्यादा इशू है आजकल। अच्छा, अभी अभी हम बात करते हैं, टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहे हैं? लोधी साहब, क्या हाल है? ठीक हो? नासिर बात बात कर रहा हूं सर। नासिर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर भाई, बहुत शुक्रिया यार, बड़े दर से बात मेरे साथ बात हो रही है। थैंक यू भाई। नासिर भाई क्या करते हैं आप? सर मैं पाकिस्तान आर्मी में हूँ, क्वाट में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके प्रोग्राम में बहुत ही मजा सर, आज सलूट कर रहे हैं सर आपको। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर। इतना पसंद हो रहा सर आपको, बिल्कुल ठीक ठाक। एजाज आप कैसे हैं? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान आर्मी को हमारा सलाम है, वी आर प्राउड ऑफ यू, रियली प्राउड ऑफ यू। Thank you so much. जी, आई लव इट। सुबह सुबह पाकिस्तान आर्मी से कॉल आई है, बड़ी अच्छी बात है और बहुत बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान आर्म फोर्सेज, वी लव यू, एंड पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान रेंजर्स, एवरी वन एंड एवरी सिंगल पर्सन जो हमारी सरहद पर होता है, बॉर्डर्स पर होता है, जो हमारी हिफाजतें करता है, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वी आर रियली प्राउड ऑफ आर जवान, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। देखें कितना अच्छा लगता है कि जब मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं मलीर कैंट में रहता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं वहाँ जाता हूँ और अक्सर लोग जो हैं वो प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे थे, सर भाई आज आपके साथ ये वाले गेस्ट थे, आज आपके साथ ये वाले गेस्ट थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपकी व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा है कि लोग आप बहुत दूर तक देखते हैं, माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए मुझे कि आप बता रहे थे फीवर का बड़ा प्रॉब्लम जी, है। बहुत क्या प्रॉब्लम है फीवर आजकल? फीवर, डेंगू फीवर भी है, वायरल फीवर और टाइफाइड, इन चीज़ों ने काफ़ी ज़्यादा कराची में हिट किया हुआ है और बहुत ज़्यादा केसेस बच्चों में, बड़ों में, सब में ज़्यादा रिपोर्ट, बहुत ज़्यादा हुआ है ना, बहुत कॉमन। अच्छा एक काम करते हैं, डेंगू के बारे में हम बात करेंगे कि डेंगू के जो असल में सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, और डेंगू अगर खुदा ना करे सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं तो फिर आपको दवा कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक। All right, जी, once again, welcome back and now joining in the show, Farah, assalamu alaikum जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। Long time no see, आप तो खैर हमारे शो के गैप से पहले भी चली गई थी, कहीं कहाँ गई हुई थी? मैं गई थी पेरिस।
और कहाँ गई थी आप? पेरिस गई थी, स्पेन गई थी, वहाँ से मैं कुछ न्यू टेक्निक्स लेकर आई थी स्किन और हेयर के हवाले से, और स्पेशली आपका वेट कैसे आप ख़त्म कर सकते हैं एक डेढ़ घंटे के अंदर, 2 इंचज आप कम कैसे कर सकते हैं, वो टेक्निक्स। डेढ़ घंटे में? जी डेढ़ घंटे में वो प्रॉपर बॉडी मसाज होता है और उसको रैप किया जाता है, और डेढ़ घंटे के अंदर आप जो बॉडी रैप्स आप 2 इंच कम कर सकते हैं। वेल इट्स वाटर वेट दैट रिड्यूसेस। अच्छा मेरे साथ ज्यादती है कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो मैं ना बहुत सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि आपका वाटर रिटेंशन होती है उसको रिड्यूस हो जाता है, वो इमीडिएटली 3 घंटे बाद वापस भी आ जाता है, सो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए। वापस नहीं आया अभी तक हमारे पास, बहुत पेशेंट आए। मैं तो गलत तो गाइड करूंगा नहीं उसके, नहीं लेकिन उसके साथ शायद उसके साथ जो है उसके साथ प्रॉपर एक डाइट प्लान आपको दिया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपने अपना ख्याल कैसे रखना है। जाहिर है देखिए उससे टाइम, अगर आपकी शर्ट अगर 3 इंच कम आपको खुली हो गई है और उसके बाद आप डाइट करके उसको 1 महीने में अपना वेट 8 kg कम कर लेते हैं। देखिए डाइट से तो ज्यादा कोई चीज अच्छी नहीं, लेकिन शॉर्टकट्स नहीं होते, ये मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, शॉर्टकट्स नहीं होते। All these wraps and these juices that you go on crash diets. अब हॉलीवुड के अंदर एक बड़ी मशहूर डाइट थी, उसको कहते थे हॉलीवुड डाइट, लोगों के जिगर ख़राब हो गए, लिवर ख़राब हो गए। यू गो ऑन दोज डाइट्स, 48 घंटे के अंदर आप वज़न तो आपका कम हो जाता है, लेकिन आपकी बॉडी इतनी बुरी होती है। ये जो हम डाइटरी सप्लीमेंट्स लेते हैं, ये जो गोलियाँ मिलती हैं बाज़ार के अंदर कि आप ये खा लें और इससे आपका वज़न इतना कम हो जाएगा, अगर ये नेचुरल नहीं है तो प्लीज़ डोंट टेक इट, अगर ऑर्गेनिक नहीं है तो प्लीज़ डोंट टेक इट, बिकॉज इसके साइड इफेक्ट्स बहुत बुरे होते हैं। देखिए आप बिल्कुल सुबह उठ के आप अगर ब्लैक कॉफ़ी ले लेते हैं जिसके साहिर लेते हैं, ब्लैक कॉफ़ी लेना या ग्रीन टी पीना खाली पेट, ये आपके लिए नुकसानदेह है। कोई ना कोई फ्रूट्स ले लीजिए आप पहले, और जितना लोग कहते हैं जी फ्रूट, हम लोग फ्रूट डाइट करते हैं उससे वेट बढ़ता है क्योंकि शुगर ज़्यादा होती है, तो प्रॉपर एक आपने कौन सा फल लेना है, कितना फ्रूट लेना है, कितना आपने कार्बोहाइड्रेट लेना है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर दी जाती हैं। और भूखा रहने से आपका लीवर ख़राब हो सकता है कि आपको हर 4 घंटे के बाद कुछ ना कुछ लेना होता है। Absolutely. And we have got Dr. Reej with us. Assalamu alaikum ji, Dr. Saba. कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत कैसी है? ठीक है। This is the first time on your show, on our show. पहली मर्तबा? ओके ओके। वैसे आप नॉर्मली जाती रहती हैं? तो क्या आपकी स्पेशलिटी क्या है? I am a physician, MBBS doctor, and I am a diet consultant, and I am a sonologist. So you are a diet consultant? Yeah, I am a diet consultant, diet and weight management consultant. Diet and weight management consultant. तो जो जैसे अगर जैसे मैं और डॉक्टर साहब आपके पास आते हैं और ये कहते हैं कि जी हमारी वेट मैनेजमेंट की कंसल्टेशन करें, तो ठीक है, आई डोंट स्टार्ट विद कि आप आएँ और मैंने स्टार्ट कर दिया, आई गो फॉर अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है पूरी, जैसे कि आपका ब्लड वर्क हुआ हुआ है, कोई हिस्ट्री प्रॉपर लेते हैं, उसके बाद फिर डाइट बताते हैं, बिकॉज वॉट डाइट सूट्स यू इट्स नॉट नेसेसरी कि डॉक्टर साहब दूसरों को भी सूट करें। अच्छा, ओके, तो वो डिफरेंट, हर एक की डिफरेंट होती है, कस्टमाइज डाइट्स बनाती हूँ मैं। अच्छा एक काम करता हूँ, हियर्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोना पुट डॉक्टर रीज ऑन टेस्ट, अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं कॉल कीजिए, आपको क्या आप फोन पे कंसल्टेशन दे सकती हैं? हाँ, आई गिव ऑनलाइन कंसल्टेशन। एक काम करते हैं, अभी एक काम करते हैं, अभी ये मैं डेमो दिखाऊंगा आपको, डेमो होगी, आप कॉल कीजिए, डॉक्टर साहिबा बात करेंगी और डॉक्टर साहिबा आपको बताएंगी कि आपने डाइट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, लेकिन आपने सच बोलना है, अपनी उम्र सही बतानी है, अपना वेट ठीक बताना है, कोई मेडिकल इशू है, कोई मेडिसिन लेते हैं, हाइट बताएंगे सही, कोई अंडरलाइंग जैसे ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के डिफरेंट है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस डिफरेंट है, डायबिटिक डिफरेंट है, तो वो सारी चीज़ें उसके बाद डाइट बताते हैं हम। हाँ ये कि जेनरिक डाइट्स होती हैं जो कि एवरीवन कैन यूज दैट, लेकिन उसका रिजल्ट फिर वेरी करता है, नॉट नेसेसरी कि आपका वेट उसमें जाए। हाँ ये कि हेल्दी डाइट एवरीवन शुड फॉलो हेल्दी। ठीक है, ठीक है। वैसे भी डिफरेंट शोज देखने के बाद, आपका शो और शो देखने के बाद, बहुत सारे लोग वो सारी चीज़ें यूज करना इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद भी उनको भी यही कहा जाता है कि जाहिर है वो आते हैं अपना प्रॉपर एक वेट, बहुत सारे लोगों को थायराइड का इशू होता है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, उनको ब्लड प्रेशर होता है, उनको पता ही नहीं होता, उसके साथ वो वही वाला प्लान स्टार्ट कर लेते हैं जो आपको एक जनरली बताया जाता है, वो तो एक बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग शोज देख रहे होते हैं, इसीलिए जरूरत है कि एक आम होता है, कंसल्ट जरूर करें किसी डॉक्टर के अंदर, ऐसे अपनी मर्जी से स्टार्ट ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग क्वैक्स पे ना ज्यादा जाते हैं, बहुत ज्यादा। आई एम रियली सॉरी टू से, बट वो लोग जो वाकई ऑथेंटिक होते हैं हमारे मुल्क में वो स्ट्रगल करते हैं, और जो क्वैक्स होते हैं उनके पीछे हम जा रहे होते हैं, बिकॉज क्वैक्स हमारी जबान बोलते हैं, हमें पता होता है कि एग्जैक्टली वो बात क्या कर रहे हैं, हम उसको समझ लेते हैं, हमें डॉक्टर समझ में नहीं आएगा, हमें क्वैक समझ में आता है, हम बाबा के पास चले जाएंगे, बाबा ने एक झाड़ू मारनी है रख के और उसके बाद बीमारी ठीक हो जानी है। रियली
सीरियसली, बट ऐसा हमारे यहाँ होता है नहीं, बिकॉज अब आप इन्वेस्टिगेशन अगर जैसे किसी को लिख के दें तो नहीं, वो कहते पहले तो इतने महंगे टेस्ट आपने कर ली, उसने आपको देखते ही बता दिया आपके जी जिगर में खराबी है, अब मतलब देखते ही बता दिया ना, उसने आपको एक लिख के देना कोई चीज़ जिसमें कुछ नहीं लिखा होगा, उसमें नाउज़ुबिल्लाह ये लोग रिलीजन को इस्तेमाल करते हैं, उसका कोई कोई अमल दखल नहीं होता, और वो आपको कहता है इसको आप दो मरतबा पानी में घोल के पिए, जब आप उसको खोल के देखते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, नथिंग इज़ देयर, नथिंग इज़ देयर, बेसिकली वही है प्लेसिबो इफेक्ट जो हम कहते हैं ना, ये वही है प्लेसिबो इफेक्ट जी। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी, दिस इज ऑल है जी। अस्सलामुअलैकुम ताहिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत दिनों बाद आपको लाइव प्रोग्राम में देखा, बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए नाम क्या आपका? नादिया। और ताहिर भाई एक बात अप्रिशिएट करूंगी आपसे। बताइए। आप जो बच्चों की वीडियोस कर रहे हैं फनी वीडियोस, इसके लिए हमें व्हाट्सएप नंबर जरूर प्रोवाइड करें आप। अभी आज ही आपको ना कुछ तो नंबर मैं आज प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए वेट कीजिए, बहुत जल्दी मैं ये सारा सेट चेंज कर रहा हूँ और फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको बहुत लाइव शो होगा और आपको बहुत जल्दी बहुत डिफरेंट देखने को मिलेगा, मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, अब बहुत हैपनिंग शो हो जाए, अभी भी बहुत हैपनिंग होता है लेकिन उसके बाद तो बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो जाएगा। तो आप यस यस मैम यस नादिया साहिर भाई, मुझे कहना था कि आप कुछ ऐसा दें हमें, कोई प्लेटफॉर्म जिस पर हम कुछ लिखना चाहते हैं और बच्चे कुछ लिखना चाहते हैं, हम कहाँ अगर आप शॉर्ट स्टोरीज लिखती हैं, अगर आप लतीफे लिखती हैं, अगर आप पोएट्री लिखती हैं, ये जगह आपकी है, प्लीज कम एंड प्लीज शेयर दिस विद अस, हमारे पास इधर आके आप शेयर कर सकती हैं। मैं कैसे सेंड करूं मुझे पता नहीं चलता है, मैं कहां पर अर्न करना चाहती हूं थोड़ा सा। अच्छा अभी आपको नंबर्स वगैरह सब दे देंगे हम, तो यू कैन टॉक टू देम, लेकिन ये बताइए आपको वेट का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं साहब भाई, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है वेट आपका? बच गए डॉक्टर साहब आपका वेट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा आपका वेट बिल्कुल ठीक है। हेलो, वजन ठीक है आपका? कोई स्किन का प्रॉब्लम या हेयर का प्रॉब्लम है तो बोलिए। हेलो नहीं आवाज, चलिए काट दीजिए। एक और टेलीफोन कॉल। अच्छा वेरी नाइस, एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम शाहीन बानो है। शाहीन कैसी हैं आप? शाहीन जी अल्लाह का शुक्र, मैं आज आप लोगों ने बहुत टाइम के बाद जो है ना डॉक्टर साहब को बुलाया है, और जो आप लोगों ने मौजू रखा है बहुत जबरदस्त रखा है। वेरी नाइस, बताइए सवाल क्या है? जी सवाल क्या है? सवाल ये है कि मतलब ये जो अभी जरासीम आया है दिमाग के हवाले से, इसके बारे में आप हमें नॉलेज दीजिए थोड़ी सी। अच्छा, ताकि हम घरों में अपने एहतियाती तदाबीर तो कर सकें। ठीक है, और अबाउट डेंगू के बारे में आपको पता है? डेंगू के बारे में तो पता है, उसके बारे में भी आप एहतियाती तदाबीर बताएं, और जो अभी आपने मौजू छेड़ा है ये स्किन के हवाले से और वेट के हवाले से, मेरा वेट बहुत ज्यादा भी नहीं कहले, बस नॉर्मल है। कितना है? फिर भी मैं उसको और कम करना चाहती हूँ। अच्छा एक मिनट, नाम क्या बता? शाहीन। शाहीन, शाहीन। अच्छा शाहीन, इत्मीनान से बिल्कुल सामने आपकी स्क्रीन पे अब डॉक्टर साहिबा नजर आएंगी, इनका नाम डॉक्टर अरीज है और ये डाइट कंसल्टेंट हैं, ये आपसे कुछ सवालात करेंगी, ईमानदारी से उनका जवाब देना है आपने। हाँ सही है। हाँ जी शाहीन, एक तो पहले अपनी एज बताइएगा मुझे। मेरी एज है 35। और आपकी हाइट कितनी है? 5 से थोड़ी सी कम कर ले, थोड़ी सी। अच्छा, और इस वक्त आपका वेट कितना है? इस वक्त तो मेरा वेट आप ऊपर नीचे 70 से करीब करीब कितना? कम कर लें, कम कर लें, थोड़ा सा बहुत ज्यादा हो जाएगा 70। और आप मैरिड हैं, बच्चे हैं आपके? जी जी जी, हाँ दो बच्चे हैं मेरे। और आपको कोई मेडिकल इशू तो नहीं, किसी तरह मंथली साइकिल में कोई इशू? कोई मेडिकल इशू नहीं है बस, फिर इसका मतलब ईटिंग हैबिट्स खराब है इनकी। आप मुझे बताएं आपका सोने का स्लीप पैटर्न आपका कैसा है? सोती किस वक्त है और जागती किस वक्त है? सोती तो मैं डायरेक्ट सी बात हूँ, ऐसा हो जाता है 1 बज जाता है रात का, और सुबह बच्चों के लिए उठना पड़ता है स्कूल के लिए।
और फिर उठते साथ ही नाश्ता करती हैं या पहले देर से? नहीं, सिर्फ चाय पीती हूं। चाय पीती हैं बस। इनके देखें, इनका बेसिक जो मसला है ना, एक तो स्लीप पैटर्न इनका ख़राब है, ठीक है। एंड फर्स्ट मील जो होती है, हम कहते हैं 9 से पहले ले लेनी चाहिए। 9 AM से पहले आप ब्रेकफास्ट, अच्छा से हेल्दी ब्रेकफास्ट करें, जिसमें देर शुड बी सम पोर्शन ऑफ कार्ब, फैट एंड प्रोटीन, ऑल कॉम्पोनेंट्स आप कवर करें ब्रेकफास्ट में। एंड अगर ब्रेकफास्ट में आपने ऑल कॉम्पोनेंट्स कवर किए हैं, तो आपकी जो सेकेंड मील होगी, लंच जो होगा, उसमें जो है वो हम कार्ब कम कर देते हैं, और थर्ड मील यानी कि डिनर में हम कार्ब एलिमिनेट कर देते हैं। उससे वेट लॉस बहुत अच्छा होता है, उससे यू आर नॉट एलिमिनेटिंग ऑल द कंपोनेंट्स। जैसे आजकल एक डाइट बड़ी फैंसी चली है जिसमें कार्ब्स बिल्कुल निकाल देते हैं, कीटो डाइट में, कीटो में, एंड दे स्टार्ट टेकिंग ऑल एक्स्ट्रा फैट्स लेते हैं, प्रोटीन का पोर्शन भी कम हो जाता है। तो ये चीज़ नहीं करनी, आपने कॉम्पोनेंट्स तीनों रखने हैं। तो कीटो डाइट अच्छी है या बुरी है? देखिए, रिजल्ट के लिहाज से तो अच्छी है, एंड बट इट्स बेसिकली डाइट जो डिज़ाइन की गई थी एपिलेप्टिक पेशेंट्स के लिए, ठीक है। और इट्स नॉट अ डाइट जो हेल्दी डाइट हो, क्योंकि अगर हेल्दी डाइट होती तो तब से ही होती है। तो अभी आजकल बिकॉज ट्रेंड बहुत चल गया, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी लिपिड प्रोफाइल डी रेंज हो जाती है। लॉन्ग रन में ये आपकी लाइफस्टाइल नहीं बन सकता, बिकॉज हमारी जो स्पेशली सोसाइटी में कार्ब्स बहुत ज़रूरी हैं। हम लोग बिरयानी भी खाते हैं, हम लोग रोटी भी खाते हैं, सोसाइटी में कार्ब्स बड़े ज़रूरी हैं। एंड सेकेंडली, नेचुरल कार्ब्स जो इसमें एलिमिनेट करते हैं ना, जो सबसे इसका गलत इफेक्ट है कि आपके फ्रूट्स बहुत लिमिटेड होते हैं, आपने यू कैन ओनली हैव सम, जिसमें बहुत लो कार्ब में बेरीज आ जाती हैं, तो आप इस तरह की चीज़ें नहीं, आप हम लोगों को तो आम भी खाना है, अंगूर भी खाना है, तो ये चीज़ें एलिमिनेट हो जाती हैं। नेचुरल कार्ब्स जहाँ पे आपकी नेचुरल सोर्सेज को लिमिट किया जाए ना, दैट इज़ नॉट अ गुड डाइट। वाह। अच्छा, हम लोग डेंगू की बात कर रहे थे, तो पहले हम आते हैं डेंगू पे या नेग्लेरिया, किस जिस पे भी बात करना चाहें आप लोग, डेंगू की बात करते हैं। डेंगू की डॉक्टर साहब, सॉरी मुझे एक ब्रेक का इशारा हो गया, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम डेंगू की बात करते हैं कि डेंगू के सबसे बड़ी बात ये सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब निशानियाँ क्या होती हैं कि इस बच्चे को या इस शख्स को डेंगू हो चुका है। डेंगू से आजकल हम बात हो रही हैं, आज 15 या 18 लोग जो हैं जो डेंगू से इस वक्त अपनी वो जहाँ भाग हुए हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे डेंगू के हवाले से कि डेंगू दरअसल होता क्या है, और आप लोग इसके अंदर ज़ाहिर है प्रश्न कीजिएगा, बताइएगा कि, और फिर डेंगू के देसी टोटके बहुत अच्छे हैं, वो लिटरली आई थिंक वो कहते हैं पपीते के पपीते पत्ते जो होते हैं, अगर उनको पीस के उनका अर्क निकाल के वो पिया जाए तो उससे भी डेंगू बेहतर हो जाता है। ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, सो बहुत ज़्यादा क्रूशल टॉपिक पे बात हो रही है, और क्रूशल टॉपिक है डेंगू का। डेंगू से 20 से ज़ायद अमवात जो हैं वो सिर्फ कराची में हुई हैं, और पूरे पाकिस्तान के अंदर डेंगू इस वक्त बेतहाशा असर कर रहा है। जी सर जी, डेंगू तो बहुत ज़्यादा हमारे, सबसे पहले तो ये बताइए ना कि डेंगू अगर हो जाए तो उसके सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, डेंगू तब इसे हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, बिल्कुल हड्डियाँ टूट रही होती, इतना तेज़ बुखार चढ़ता है पेशेंट को, उसमें बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर, बहुत ज़्यादा जिस्म में दर्द। व्हेन वी टॉक अबाउट हाई ग्रेड, दैट मींस Above 102, 100, बिल्कुल 200 पर बुखार हो, उसमें उल्टियाँ लगती हैं पेशेंट को, जिसमें बहुत दर्द, बाद अवकात आँख के ढीलों में पेन होता है, पेशेंट में आता है okay. आँख में दर्द हो रहा है बहुत शिद्दत के साथ okay. पूरी बॉडी उसकी दर्द कर रही है okay. तो ज़रूरी है, एक तो प्रॉपर पहली बात ये कि कंसल्ट विद द डॉक्टर सबसे पहले। यहाँ होता यह कि घर में ही ट्रीटमेंट हो रहा है, ये इंतहा गलत है, और अगर 3 से 4 दिन 3 दिन भी एटलीस्ट हो जाते हैं फीवर को, तो उसका ब्लड टेस्ट लाजमी करवा लिया जाए। Okay. एक सिंपल CBC करा के पहले उसके वाइट सेल और प्लेटलेट्स चेक कर लिए जाएं कि उसकी क्या स्टेटस है, अगर उसमें कुछ लगता है फिर उसके लिए डेंगू के टेस्ट भी करवा लिए जाएं आराम से, इतने महंगे टेस्ट भी नहीं है, लेकिन यहाँ लोग उसको इग्नोर करते हैं, उसी में चला रहे हैं चीज़ें कर रहे हैं, और बगैर पूछे डॉक्टर से मेडिसिन ना दी जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे ज़्यादा चीज़ व्हेन यू से बगैर पूछे ना दी जाए मेडिसिन, क्या मतलब इस बात? मतलब लोग घर पे अपने ट्रीटमेंट करते हैं, किसी और को बुखार हुआ उसकी दवाएं उसको खिला दी, ये बहुत कॉमन हमारे यहां बुखार होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, और हम लोग एंटीबायोटिक्स पे चले जाते हैं, बिल्कुल क्या ये करना सही? इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल ही नहीं, कोई स्पेसिफिक खास ट्रीटमेंट डेंगू का मौजूद ही नहीं है, सिर्फ ये पेशेंट के सिम्टम्स के लिहाज से दवाएं दी जाती हैं, कोई एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं बनता उसमें, ठीक है। तो इसमें लेकिन यहाँ ओवरडोज एंटीबायोटिक भी दी जाती है। क्या ये कहना सही है कि जो डेंगू के पेशेंट्स होते हैं वो बहुत आराम से सही हो सकते हैं अगर इग्नोर ना किया जाए? बिल्कुल सही हो सकते हैं, बिल्कुल, और होते हैं अगर उनको, मतलब ये फेटल चीज़ नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट सही मिल रही है और सही से वो डॉक्टर्स के साथ टच में है, इलाज करा रहे हैं, आराम से ठीक हो सकते हैं, बजाय इसके कि उनको ओवर मेडिसिन। या होता क्या, पेशेंट घर में ही एंटी मलेरियल भी ले रहा है, एंटी मलेरियल से भी आपके सेल्स ड्रॉप होते हैं, डेंगू में अलग वैसे ही हो रहे हैं, आपने अपने पास से दोनों चीज़ें मिलकर और मज़ीद ड्रॉप हुआ, और प्लस एंटीबायोटिक भी ले लिया आपने, खुद से लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से मिलकर मज़ीद आपके सेल्स मज़ीद ड्रॉप हो गए, एट द एंड फिर हुआ कि आप बिल्कुल जो है कोलैप्स कर जाते हैं, फिर ये
और कुछ एनसेड्स वगैरह भी ऐड कर देते हैं, जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी फीवर है या पेन, क्योंकि हेडेक बहुत सवेर, बोन ब्रेकिंग, इसलिए कहते हैं कि ऐसे लगता है जैसे टूट रहा है कोई, आपकी हड्डियाँ तोड़ है बिल्कुल. तो वो जब एंटी इंफ्लेमेटरीज होते हैं वो वैसे ही आपके ब्लड जो, जैसे क्योंकि जिनको स्पेशल अल्सर्स होते हैं उनको हम नहीं एडवाइस करते, तो वो आपकी पहली ही प्लेटलेट्स ब्लीडिंग की, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन इसकी ये है कि ब्लीडिंग इंटरनली स्टार्ट हो जाती है, जो हम सर बताएंगे अच्छे तरीके से कि DIC में चला जाता है जो, दैट इज द कॉम्प्लिकेशन, दैट इज द कॉम्प्लिकेशन. ब्लीडिंग प्रॉब्लम आता है उससे बचने के लिए. अच्छा, तो देखें जो लोग हमको देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी मुझे आप निशानियां बताएं, सिम्टम्स बताएं, तो वो सिम्टम्स क्या हैं इनके? बुखार, आपको बुखार अगर एक तो तेज बुखार आपका नहीं उतर रहा है, ठीक है, एक मसला. आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द रह रहा है, आप बहुत डल हैं, लिथार्जिक हो रहे हैं, हिम्मत नहीं हो रही, काम नहीं कर पा रहे, उठ नहीं पा रहे पैसे, तो आप कंसल्ट. उसके अलावा के जिस्म में आपके रैश पड़े, निशान पड़े इस तरह करके, तो ज़रूर आप कंसल्ट करें, फौरन तौर पर टेस्ट करवा लें, ठीक है. मतलब इतनी बड़ी बीमारी का नाम है लेकिन कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है. जैसे वायरल फीवर, तो वायरल जो होती है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है कि बुखार है तो उसको सही करेंगे, दर्द है तो उसको सही करेंगे, आप सिम्टोमेटिक हाइड्रेशन अच्छी रखेंगे पेशेंट की, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है. प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब कॉम्प्लिकेशन में, क्योंकि घर में हमारे जो है ना ये ना सेल्फ मेडिकेशन का बहुत ज़्यादा है, तो जब कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है पेशेंट को लाते हैं तब फिर डॉक्टर्स को. तो अगर फौरन अगर हाई ग्रेड फीवर हो और निशानात हो रहे हो, या बच्चा ये शिकायत करे या बड़ा ये शिकायत करे कि मेरे बोन में दर्द हो रहा है, अगर फौरन डॉक्टर से मिल लिया जाए तो इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है. अगर बच्चों में तो हाई ग्रेड पर रिस्क ही नहीं लेना चाहिए ना, चाहे आपको वायरल लग रहा हो, डेंगू लग रहा हो, बच्चों को तो लेकर चला जाना चाहिए डॉक्टर के पास, बिकॉज वी नेवर नो कि बच्चों का, क्योंकि हाई ग्रेड फीवर में बच्चों को फिट्स के भी चांसेस होते हैं, रिस्क तो लेना ही है. अच्छा फरा, आपके नेचुरल उसमें क्या अवेलेबल होता है डेंगू फीवर के लिए? ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, सिपिया है, आर्निका वगैरह है, लेकिन मोस्टली यही रिकमेंडेशन होती है कि हॉस्पिटल ही जाए, यू गो टू द डॉक्टर एंड देन. लेकिन अगर अच्छा, और ये क्या वो होता है पपीते का जो कहते हैं, क्या ये हम ये मेडिसिन के साथ कर सकते हैं? जी करते लोग करते हैं. इनफैक्ट मेरी बहन जो है वो आगा खान में एडमिट थी, उसको डेंगू हो गया था, उसके हस्बैंड को हुआ, उसको एडमिट करवाने गए तो साथ उसको भी हो गया, तो ये दोनों को एक साथ ही दो रूम पे लिए गए, तो दोनों को ही डॉक्टर ने ही कहा कि आप पपीते के पत्ते जो हैं वो लेके उसका अर्थ निकाल, डॉक्टर ने कहा. उसकी रीज़न ये है कि पपीते के पत्ते जो हमारे प्लेटलेट्स प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट्स होते हैं उनको हेल्प करते हैं, बेसिकली प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद है, तो वो जब प्रोडक्शन उनकी इंक्रीज होगी प्लेटलेट्स की तो ऑटोमेटिकली आप रिकवरी की तरफ. तो आपकी सिस्टर को रिकवर होने में और एटलीस्ट 15 डेज लगे थे, लेकिन 15 दिन लगे थे दोनों को, तो वो हो गए थे रिकवर. मगर उसको जो मेरी बहन है उसका बहुत मुश्किल से, क्योंकि उसने जल्दी एडमिट नहीं खुद को करवाया था, वही आप वाली बात के पैनाडोल ये चीज़ें लेती रही, तो उसका इशू ये आ गया कि उसको वो उन्होंने ड्रिप्स लगाई जो उन्होंने कहा डॉक्टर ने कि ये हम कैंसर के मरीज तक को ये वाली ड्रिप लगाते हैं जो इनको लगानी पड़ी इनकी वॉमिट्स रोकने के लिए. वो बहुत डाउन चली गई थी, कायनात की बात कर रही. ओह वाओ, ये कब की बात है? अब 2-3 साल हो गए हैं, बट अब उसके सारे बाल चले गए थे उसकी वजह से, उसके बहुत लंबे बाल थे तो उसके यहाँ तक आ गए थे. तो ये बड़ी नुकसानदेह चीज़ है, ये बात है कि अच्छा, ये हम भी ये पर्सनल एक्सपीरियंस फरा शेयर कर रही है कि इनकी अपनी फैमिली में हुआ है. नेग्लिजेंस नहीं कर सकते आप इग्नोर नहीं कर सकते. और ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी जो बहन है उनसे मेरी मुलाकात हुई, पढ़ी लिखी खातून, मतलब मैं तो बहुत हैरान हूँ. क्योंकि वो हस्बैंड के उसने कहा कि मैं शायद थकन से मुझे बुखार हो गया. ओके ओके, तो उसने इतना फील नहीं, वो आगा खान में बैठ के फिर उसे कहा उन्होंने कि नहीं आप चलें, आप प्लीज़, आपकी सिम्टम्स ठीक नहीं नज़र आ रहे हैं. फिर ज़बरदस्ती उसका ब्लड टेस्ट किया तो फिर उसमें ज़ाहिर आपको पता अगले दिन रिपोर्ट आएगी, एक दिन और चला गया. वही मैं कह रहा हूं, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हाँ नहीं करना चाहिए इसको. फीवर अगर प्रोलॉन्ग हो रहा है तो आप जरूर उसको फॉलो. ऑलराइट जी, एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अच्छा, ये एक नई चीज निकल रही है जिसे हम नेग्लेरिया कहते हैं, ये क्या चीज है? इट्स काइंड ऑफ एन अमीबा, जो आपका ब्रेन ईटिंग अमीबा कहलाता है ये, तो ये क्या सिलसिला है? नोज़ के थ्रू ट्रांसमिट होती है पानी के जरिए, नोज़ के थ्रू ट्रांसमिट होकर ब्रेन में जाके ब्रेन सेल्स खा रही होती है, उससे बहुत ज़्यादा फेटल है. अब हमारे कॉमन केसेस आने लगे हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं. व्हेन यू से फेटल है, दैट मींस 100% चांसेस हैं कि एक बार अगर नेग्लेरिया आपको हो जाए तो यू आर गोइंग टू डाई. वो तो हमारे डायग्नोस होने में टाइम लगता है क्योंकि इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है हमारे, और पेशेंट को अवेयरनेस भी नहीं अभी ज़्यादा. जिस तरह से डेंगू के बारे में लोग जान गए, अभी नेग्लेरिया के बारे में ज़्यादा केसेस भी रिपोर्ट नहीं हुए, हो रहे केस लेकिन कम केसेस रिपोर्ट हो रहे हमारे, इसलिए अब इसके बारे में इतनी अवेयरनेस लोगों को है नहीं. इसकी हिस्ट्री टेकिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, बिकॉज एक तो पेशेंट जो आएगा वो इस तरह की स्टेट में नहीं आएगा कि प्रॉपरली हिस्ट्री दे सके, और दूसरा कि क्योंकि जब हम नमाज़ पढ़ते हुए भी करते हैं पानी, तो उसमें भी चला जाता है, स्विमिंग की कोई हिस्ट्री उसमें चला जाता है,
तो एक्सपोजर जो क्या है ये खड़े हुए साफ पानी में, साफ पानी पानी आपने जहाँ पे आपने स्टोर किया है तो ये आपको उसमें चला जाता है, घर के पानी है। अच्छा, इसमें जो अभी तक सिम्टम इसी वजह से तो नमाज पढ़ते हुए जैसे नाक में चढ़ाते हैं वो ज्यादा अगर कर लें तो म्यूकोजा जो होता है ना स्पेशली अगर कोई। अच्छा, अभी हम इसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की, बिकॉज टैंक्स तो हर एक घर के अंदर हैं, टंकियां हर एक घर के अंदर हैं जहाँ पानी स्टोर किया जाता है, विल बी राइट बैक। क्या इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, क्या इसके बचाव का कोई तरीका है वो कैसे किया जा सकता है, कि हम खुद क्लोरीन ऐड करें, क्या किया जा सकता है? ब्रेक है, ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक। Once again, welcome back and now joining in the show of Sheen Mughal, our dress designer. Assalamu alaikum ji, how are you? कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, हम लोग तो बातें कर रहे हैं डेंगू के वायरसेस के बारे में बातें कर रहे हैं हम लोग, तो we'll be talking to you as well, लेकिन डेंगू के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे आपसे, आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिएगा। Okay. We're going to talk about your dresses जो आप बनाती हैं। Normally आप क्या wedding wear होती है या normal wear होती है क्या? Normally casual wears होते हैं, party wears होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं bridal wears के साइड पे आ रही हूँ। अच्छा, ओके, आप आहिस्ता आहिस्ता आ रही जी। अच्छा, चलें, वेल डन। हाँ जी, बताइए, नेग्लेरिया के बारे में हम बात कर रहे थे, विल बी टॉकिंग टू यू, अभी आपसे बात करते हैं। नेग्लेरिया में पेशेंट एक तो बस अब जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगा उतनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। पेशेंट को लगे कि अगर उससे अगर सूंघने की सलाहियत मुतासर हो रही है उसकी, सबसे पहले नोज से थ्रू जाता है नेग्लेरिया में। हाँ, उसके सूंघने की सलाहियत, गौर से सुन लीजिएगा, सूंघने की सलाहियत अगर आपकी, सूंघने की सलाहियत मुतासर हो रही है उसकी और फीवर उसको हो रहा है, साथ में उसकी स्टिफनेस आ रही है, सबसे पहले फौरन वो डॉक्टर से कंसल्ट होना चाहिए उसको। यहाँ ये होता है, अरे वैसे बुखार आ गया होगा, नहा लिया ज़्यादा पानी, उस तरह करके उस इग्नोरेंस में वो चीज़ लंबी हो जाती है, फिर डेंट फिर उसका अच्छा नहीं होता। तो ये बड़ी कॉमन से सूंघने। अच्छा, तो क्या नेग्लेरिया क्योरेबल है अगर हो जाए? बिकॉज मैंने जितने केसेस सुने शायद एक आध कोई ऐसा केस है जो बच गया है, वरना तमाम लोग अर्ली डायग्नोसिस में बिल्कुल है, क्योंकि मैंने कहा ना अभी यहाँ अवेयरनेस नहीं, तो डायग्नोसिस इतना लेट होता है तो उसमें जब तक पता नहीं चलता, अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो मेडिसिन, उसकी मेडिसिन मौजूद है। मैंने कहा था कि डेंगू की मेडिसिन। अच्छा, नेग्लेरिया की मेडिसिन मौजूद है, अगर फंगल ट्रीटमेंट है उसे करें तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। जी बिल्कुल, वही अर्ली डायग्नोसिस सर जैसे कह रहे हैं ना, क्योंकि अच्छा दोबारा से ये थोड़ी सी ना बात कंफ्यूज हो जाएगी, तो पहले हम आपको बता दें कि अब जो बात हो रही है वो नेग्लेरिया की हो रही है। नेग्लेरिया उन जगहों में पैदा होता है जहाँ पानी बहुत अरसे तक स्टोर रहता है और क्लोरीन कंटेंट जो होता है उसमें वो कम होता है, वो परसेंटेज उसकी कम हो जाती है, वहाँ पर नेग्लेरिया का एक अमीबा होता है जो एक पैरासाइट है और वो उसके अंदर उस पानी में आके जमा हो जाता है, वो नाक के ज़रिए दाखिल होता है और आपके ब्रेन के हिस्से को खाने लगता है। अच्छा, डेंगू की मेडिसिन मौजूद नहीं है लेकिन डेंगू से अमवात कम होती हैं, नेग्लेरिया की मेडिसिन मौजूद है लेकिन नेग्लेरिया से अमवात ज़्यादा होती हैं। उसका रीज़न ये है कि नेग्लेरिया जब तक आइडेंटिफाई होता है तब तक इट इज़ टू लेट, बिकॉज डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि जब तक वो अमीबा आपके ब्रेन में नहीं गया तब तक आपके पास चांसेस हैं कि आप बच सकते हैं। और इसका सिम्टम ये होता है कि आपकी जो सूंघने की हिस है वो मुतासिर होने लगती है। बिल्कुल, am I right? बिल्कुल सर। इसके अलावा कोई और चीज़ होती है? तेज बुखार, बुखार का पीछे का हिस्सा, पीछे ये जो नेक स्टेन वाला आपका बिल्कुल ऐसे लगेगा सुन हो गया, ये हिस्सा मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये पेशेंट हमारे पास भी एक आए थे, उनकी डेथ ही वाकई हुई तो वो यही कह रहे थे कि मैं इसको मूव नहीं कर पा रहा। हमने भी उससे यही कहा कि आप जाइए अपने टेस्ट करवा कर आए, जब तक वो गए तो उनकी ज़ाहिर है डेथ हो गई थी। तो ये भी चीज़ है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है और मूव करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो भी आप हाई ग्रेड फीवर विद नेक स्टिफनेस वैसे भी जो है ना थोड़ा सा होता है, क्या अलार्मिंग साइन होता है कि आप जाएं। तो अगर आपको हाई ग्रेड फीवर है दैट मीन्स 101 से अबव का फीवर है आपको और आपकी नेक के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, स्टिफ हो रही है, वो आप मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो फौरन यू शुड गो टू द डॉक्टर, फौरन फौरन फौरन। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवाना। हाँ जी रिजवाना जी। जी मैंने पहले भी 2-3 दफा बात की है आपसे। ओहो, मजा आ गया फिर तो। आप ये बताइए आज आपने नाश्ते में क्या किया है? आज मैंने सुबह पराठा खाया है आधा। वेरी नाइस, आधा सिर्फ आधा, आधा क्यों? कम खाती हैं। अच्छा अच्छा, और ये बताइए अंडे खाए पराठे के साथ? हाँ जी आधा खाया, आधा खाया था अंडा। और चाय पी थी? हाँ
11 का। अच्छा तो फिर तो आपकी आप तो बहुत फिर स्लिम सी होंगी एकदम से। नहीं मैंने बिना आपको बताया था मेरा बहुत ज्यादा वेट है। बहुत ज्यादा। कितना वेट है आपका? मेरा 89 था तो नहीं 19 था तो मैंने ये ना एक्सरसाइज तो थोड़ी सी डाइट की तो मेरा ना 10 kg गिरा है वेट। अभी कितना है अभी? अभी मेरा 87 है। 87 है। अच्छा मुझे आप मैं अब जो स्क्रीन पे आप देखेंगी ना वो आप डॉक्टर साहिबा को देखेंगी, ये डाइट कंसल्टेंट है, ये बताएंगी कि जी आपने कैसे वेट लूज करना है, तो ये आपसे कुछ सवाल करेंगी। रिजवाना सही सही बताना अपने जवाब। जी सही बताऊंगी। हाँ जी जी रिजवाना एज बता दें अपनी पहले मुझे। मेरी 30 साल एज है। अच्छा और हाइट कितनी है? 5 फुट 7। अच्छा 5'7" है तो वेट आपका 87 है अभी करंटली। आपने डाइट अभी जो खुद से की है उसमें क्या किया है आपने? मैं सुबह ब्राउन ब्रेड लेती थी और कोकोनट ऑयल के साथ वो ना अंडा बनाती थी। अच्छा तो वो मैं सुबह को लेती थी ब्राउन ब्रेड के साथ अंडा तो 11 बजे तक करीबन चाय ले लेती थी। अच्छा पानी कितना पीती है मुझे बताएं? हाँ पानी मैंने काफी ज्यादा पी लेती थी, 1.5 लीटर से भी ज्यादा। अच्छा, पी लेती थी। अच्छा और आपने रात की रोटी छोड़ी है? मैंने तकरीबन आधी की खा लेती थी, मुझे रोटी नहीं छोड़ी जाती, वीकनेस हो जाती है। अच्छा अच्छा मैं आपको बताती हूँ ऑन एयर बताती हूँ। एक तो ये पानी का इंटेक जो है ना हम लोगों का होता है कि 60 kg पे 2 लीटर्स, ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस करते रहते हैं। 60 kg पे 2 लीटर मतलब 8 ग्लास पानी, ठीक है। अगर किसी का 60 से ज़्यादा तो उसको हम कहेंगे आप 10 ग्लास पी लें, 12 ग्लास पी लें, कम है तो फिर उसको, क्योंकि वाटर रिटेंशन, अगर आप प्लेन वाटर पीते हैं तो वाटर रिटेंशन भी होती है जो वाटर वेट आना शुरू हो जाता है। दूसरा ये कि रात की रोटी नहीं छोड़ी कमज़ोरी हुई, ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि रोटी छोड़ेंगे कमज़ोरी हो जाएगी, हालांकि रोटी इज़ नॉट आर स्टेबल फूड। हमारा स्टेबल फूड होता है कि हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, मीट लें, ये हमारा ह्यूमंस का बेसिकली। ग्रेन्स तो है ही नहीं ना, ग्रेन्स जो हैं वो अब हम लोगों ने जब से उगाना शुरू किए तो खाना शुरू कर दिए। अनाज की दुश्मन है, कहते नहीं आपको बिल्कुल नहीं खाना, कुछ भी नहीं करना। नहीं अनाज आप देखिए अगर आप ओट्स ले रहे हैं, ठीक है, या बार्ले ले रहे हैं जो जो होता है तो वो सही है, लेकिन आप रोटी बना के जो हम गंदम का बना गूंदते हैं फिर उसमें घी भी डाल के पराठा भी बना लेते हैं ना, वो गलत है। वो गलत, ओके, बिकॉज आप उस उतनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ठीक है। तो दूसरा ग्लूटेन जो प्रोटीन होती है वीट की वो वाटर रिटेंशन कराती है, पानी को रोकती है। तो जो लोग कहते हैं हमें स्वेलिंग हो गई है, सूजन हो रही है, हम सुबह उठते हैं मुँह सूजा हुआ है, पाँव सूजे हुए हैं, ये चीज़ भी थोड़ा सा अगर जब आप वीट को एलिमिनेट करते हैं तो कम हो जाती है। यहाँ मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बात फिर वही है कि क्या नेगलेरिया के ज़रिए अगर नेगलेरिया खुदा न करे किसी को हो जाता है तो क्या बचने के चांसेस हैं? बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, अपने कहीं जाना नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर घर में टैंक्स होते हैं, हर घर के अंदर पानी स्टोर होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। Alright, so हम बात कर रहे थे नेगलेरिया की, और नेगलेरिया में सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जब तक पता चलता है मरीज उस वक्त तक एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुका होता है जहां उसके लिए पलटना मुश्किल होता है। तो अच्छा ये कैसे पता चले कि, एक तो बात ये हो गई कि हाई फीवर होता है, गर्दन की स्टिफनेस होती है, और सूंघने की हिस जो है वो, उसके बाद कितनी विंडो होती है मरीज की डॉक्टर के पास जाने के लिए? उसके बाद विंडो कम रह जाता है, ठीक है, 2 से 3 दिन तो उसको फिर भी मतलब इतना टाइम होता मतलब है, मैं उससे और भी कम टाइम कर ले क्योंकि जब उस स्टेज पे आ गए जहाँ पर उसके नेक स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हाँ। फीवर है तो उस वक्त एटमीन्स के डिजीज काफ़ी एडवांस हो सकती है, विद इन 24 आवर्स को लाजमी कंसल्ट कर लेना चाहिए इस स्टेज पे आने के बाद। अच्छा और अगर स्टिफनेस थोड़ी सी यहाँ पर होती है, थोड़ी सी मामूली सी है और बुखार है उसमें भी चांस बढ़ जाता है, और अर्ली स्टेज के अंदर अगर चला जाए तो ठीक हो सकता है? ठीक हो सकता है, हो सकता है इंशाल्लाह। अच्छा 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 तो वो जो पानी जो वहाँ पर रखा हुआ है टैंक्स के अंदर रखा हुआ है उसमें क्या किया जाए? तो वही बात है, क्लोरीन ऐड की जाए, स्विमिंग पूल्स में ऐड करते हैं रेशो,
पानी के घर के टैंक्स में नहीं होगा। जो मैंने थोड़े से केसेस ऑब्जर्व किए हैं उसमें ये कि जो लोग नमाज पढ़ते हुए या फेस वॉश करते हुए इनहेल कर लेते हैं नोज़ के थ्रू, उसमें जो है ना चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कुछ लोगों को बुला के, कुछ एक्सपर्ट्स को बुला के अपने क्लोरीन का लेवल जो है वो चेक करवाया जाए? बिल्कुल, उसके बाद उसको इसकी इन्वेस्टिगेशन, सॉरी टू कट यू, वाटर की जो इन्वेस्टिगेशन होती है स्लाइड्स पर चेक हो सकता है कि उसके अंदर है तो नहीं अमीबा इज़ प्रेजेंट और नॉट, क्योंकि आप अमीबा को डायग्नोज कर सकते हैं उसमें। अच्छा, तो वो कैसे होता है? वो तो एक्सपर्ट्स आते हैं, दे मेक स्लाइड्स और वो देखते हैं उसको, जैसे आप जब ब्रेन टिश्यू में भी जब डायग्नोज करते हैं तो स्लाइड्स के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, तो आप अपने वाटर कंटेंट में भी चेक कर सकते हैं। नहीं, लेकिन देखिए, नहीं ये तो आप एक बार की बात करिए ना, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका वाटर जो है, जैसे मेरे घर के अंदर दो दिन के बाद दोबारा से वाटर भर जाता है, पानी भर जाता है, फिर उसके बाद दोबारा भर जाता है, फिर उसके बाद दोबारा भर जाता है, तो एक साइकिल होता है। तो आपको ये नहीं पता कि कौन से वाटर के अंदर अमीबा आ गया, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए फिर मेरे ख्याल से एक्सपर्ट्स को बुला के क्लोरीन लेवल चेक किया जाए, उसको डिसइंफेक्ट किया जाए। इसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो आके जा रहे हैं, वो आम आदमी नहीं कर पाता है, उसका जो लेवल है क्लोरीन लेवल चेक करवा के उसमें फिर आप उसमें। अच्छा, तो जो हमारी वाटर सोर्स है जो आ रही होती है, क्या वहाँ क्लोरीन वहाँ होती तो है, कहते तो है कि होती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा सवाल, नॉर्मली जो ये देखा गया है ये उन इलाकों में देखा गया जैसे हमारे स्विमिंग पूल्स के अंदर, फिर वो जगह जैसे खुला पानी है, बच्चे वहाँ नहाते हैं, जंपिंग करते हैं, उन जगहों पे ज्यादा। मैं आपको बताऊँ, हमारे एक दोस्त हुआ करते थे जुल्फकार हुसैनी साहब, तो वो निगलेरिया के वो हुए थे, निगलेरिया उनको हुआ था, एंड आई थिंक उनके बारे में सुना ये कि वो एक फार्म हाउस गए थे जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ थे और वहाँ उन्होंने स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग की थी, यही हुआ था ना, स्विमिंग की थी, और उसके बाद फिर उनको कितने दिन लगे थे? 3 से 4 दिन, क्योंकि उन्होंने वो जब घर आए और घर आने के बाद उनका, मैंने भी थोड़ा सा वो पढ़ा था उसके, उनको उनको दर्द हो रहा था, उन्होंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, वो घर में ही मेडिकेशन करते रहे, क्योंकि उस रात को जब घर आए तो वो सो गए, सुबह जब उठे हैं उनका भी एक ये था कि जब सुबह उठे तो उनके नेक की प्रॉब्लम कर रहा था, उन्होंने इसको इग्नोर किया। वही बात आप वाली, वही सारे जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप किसी चीज़ को हल्का ना लें, कोई तकलीफ जो आपके बर्दाश्त से बाहर है, जो आम बीमार मतलब आम चीज़ से हटके हो रही है, एक आम सा जिस्म में दर्द है वो समझ जाता है, एक हटके हो रहा है तो आप लाजमी डॉक्टर को दिखाएं। ठीक, फिर आप अगर फार्म हाउस वगैरह जा रहे हैं तो आप ये ना पूछें भाई एसी है, बेड कैसे, रूम कैसे, या आप पूछे भाई वहाँ जो पूल है उसके आप प्रॉपर क्लोरिनेशन की हुई है आपने, ये सब चीज़ों के बारे में आप पहले इन्फॉर्मेशन ले लें, उसके बाद आप वहाँ जाए। वजह से कि आप मुझे, अच्छा ये फार्म हाउस वो है जो आपके एक अलग से फार्म हाउस, एक तो इस तरह के भी पार्क्स हैं, वो स्विमिंग पूल्स हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, वो क्या नाम है मैं तो नाम मुझे, मैं कभी गई नहीं, बहुत सारे जहाँ पे लोग होते हैं बहुत अलग अलग जगहों से आए, मुझे नहीं लगता कि उस जगहों पर, जी वाटर पार्क जो होते हैं, मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर आप सेफ होते हैं। अच्छा, हमारी मुझे तो नहीं लगता, और ये हमारी गलती है कि हम क्यों ऐसी जगहों पे जाके अपनी जान को जाया करते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में वहाँ आप सेफ होते हैं, उसका रीजन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ की जो क्लोरीन कंटेंट है या बाकी चीजें जो उसको बड़ा मैनेज किया जाता है, उन्होंने हाई रखा होता है, तो वो भी पब्लिक प्लेस, लेकिन इसके बावजूद वहीं से ज्यादा लोगों को क्यों फिर मिल रही है चीज, मुझे नहीं लगता वहाँ से हुआ है, वहाँ से मैंने सुना नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो आप पहले कह रही थी ना कि ये एक ऐसी जगह जहाँ पानी खड़ा होता है, या ऐसी जगह जो प्राइवेट स्विमिंग पूल्स हैं जहाँ जहाँ निगलेक्ट किया जाता है, वहाँ से ये हुआ है, मुझे ये लगता है। अच्छा, मुझे लगता है पब्लिक स्विमिंग पूल्स के अंदर तो बहुत ख्याल रखा जाता है। अगर नहीं भी है एक बात, अगर वहाँ नहीं भी है तो वहाँ पे फिर भी आपको खुद भी पता कर लेना चाहिए कि वहाँ किस हद तक क्लोरीन है या नहीं। ये हम पहले की बात करें कि आपको लाजमी पता होना चाहिए जहाँ हम जा रहे हैं वो हमारे लिए सेफ है या नहीं, चाहे वो एक स्विमिंग पूल है या बहुत बड़ा वाटर पार्क का स्विमिंग पूल है। अच्छा, आज हमको एक और फराना चीज बताइए कि आज वर्ल्ड ओबेसिटी डे है जी। ऑलराइट, तो आज वर्ल्ड ओबेसिटी डे है, तो इसमें आप कहाँ जा रही हैं और आप आज क्या पैगाम देंगी और आप क्या कहेंगे वो लोग जो ओबीस हैं या जिनके वेट का प्रॉब्लम है और जो ये समझते हैं कि यार हाँ वेट को कम होना चाहिए, तो उसके लिए ज़रा बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कुछ पैकेजेस मैं इन तमाम लोगों से लूँगा, बट प्लीज़ लेट्स स्टार्ट विद फरा जी। मैं आज जाऊँगी जी साउथ सिटी, वहाँ पर डॉक्टर्स के साथ मेरा मैं उनका इंटरव्यूज़ करूँगी, उनसे पूछूँगी कि पूरी दुनिया में मोटापे का पाकिस्तान कौन से नंबर पर आ रहा है और यहाँ पे कौन से नंबर पर आ रहा है आपको पता है? आई थिंक लास्ट मेरे पास जो मैं भी गलती से एक छोटी सी एंकर हूँ शो करती हूँ मेट्रो पे, आप लोग सैटरडे संडे देखते हैं, उसमें मेरे साथ लास्ट टाइम भी डॉक्टर्स थे, डॉक्टर्स का कहना यही है कि हमारे यहाँ मेरे ख्याल में जो उन्होंने जो 62 का रेशो उन्होंने दिया था जो पाकिस्तान का है, लेकिन बाहर के ममालिक में भी है, क्योंकि वहाँ जंक फूड को ज़्यादा, आपको पता है कि बर्गर और ये चीज़ें ज़्यादा ली जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि जैसे कि डॉक्टर एज ने बताया कि अनाज यानी कि हमारे यहाँ कार्बोहाइड्रेट को बहुत ज़्यादा लिया जाता है, रोटी चावल हद से ज़्यादा खाते हैं और कहते हैं हम और खाएं क्या,
सबसे पहला सवाल लोगों का ये होता है जी हम क्या खाएं, डॉक्टर साहब हम क्या खाएं, डॉक्टर खराब खाएं क्या है ना। तो अब उसके बाद सवाल ये है, उसका जवाब ये होता है कि खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हम जिस तरह कहते हैं आप दालों के सूप्स ले सकते हैं, दालें होती हैं लेकिन वो भी एक क्वांटिटी होती है। आपके पास बहुत से अल्लाह पाक ने सब्जियां दी हैं उनके सूप होते हैं, सब्जियां खा सकते हैं आप, फ्रूट आप एक ले सकते हैं, पानी को आप नॉर्मल वो कर सकते हैं। तो ये आपने एक बैलेंस डाइट, आपकी डाइट का एक खाना आपका बैलेंस होता है। रात की आप एक रोज़ा रख लेते हैं, जिस तरह रात को 8 बजे अक्सर ये हमने करवा कर देखा है कि रात को 8 बजे से पहले जो खाना आपने खाया वो आपने खा लिया, उसके बाद दोपहर तक आपने कुछ नहीं खाना, आप सिर्फ चाय और पानी ले सकते हैं। ये थोड़ा सा इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जा रही है, लेकिन अगर मेरे लेकिन ये हफ्ते में सिर्फ 2 दिन होता है, डेली नहीं। अच्छा, मेरे क्लाइंट्स जो है ना, क्योंकि बहुत वेरिएशन है, तो मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब फ्रूट इतना महंगा है, बादाम इतने महंगे हैं, खजूरें इतनी महंगी हैं, तो हम तो सिर्फ रोटी खा सकते हैं। तो उनके लिए फिर ये होता है कि अगर आप रोटी खाना तो बड़ा मुश्किल हो गया आपको पता है। आज मुझे राजा बता रहे थे, या पता नहीं आपसे बात हुई थी, राजा भी थे, वो कहने लगे जी जो सब्जियां हैं वो 100 रुपए किलो हो गई हैं, बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। भिंडी अराउंड 50 की पाव कुछ आ रही है, भिंडी जो कि हम लोग इतने शौक से खाते भी नहीं है, लौकी भी इसी तरीके आप के नहीं खाती होंगी, मैं नहीं, तो मैं सारी सब्जियां खाती हूँ, आप नहीं खाती तो मैं कुछ नहीं, मैं सारी सब्जियां खाती हूँ, लेकिन मैं जो है ना अपने घर वालों की फैमिली हस्बैंड की बात कर रही हूँ जो कि बहुत लिमिटेड वेजिटेबल्स खाते हैं। ओके, वो नहीं खाते आदमी लोग, ज़्यादा कम खाते हैं प्रोटीन, मीट के मीट लवर्स होते हैं ज़्यादा पसंद ये कि, लेकिन उनको फिर मैं कहती हूँ ऐसे क्लाइंट्स को कि फिर आप अपनी एक्टिविटी ज़रा बढ़ा दें। Okay. एक्टिविटी अब ये नहीं कि खवातीन के कि मैंने पोछा लगाया था तो मेरी एक्टिविटी हो गई है, एक्टिविटी ये कि यू शुड, अच्छा ये आपको दोबारा से ये दोबारा से आपको रिपीट करना पड़ेगा, बिकॉज़ बहुत सारी खवातीन समझती हैं मैं तो सारा दिन काम करती रहती हूं, उसमें हार्ट रेट नहीं इंक्रीज होता। जब तक टेलीफोन कॉल, टेलीफोन कॉल उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? सारी बोल रही हूँ, साहिर भाई। Yes. हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं और आप इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं, और मैं कहती हूँ इतने तहजीब के साथ आप प्रोग्राम करते हैं कि मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, और अभी जितने प्रोग्राम आपके कोई 15 जितने 16 रिपीट प्रोग्राम आए वो भी देखती हूँ, और अपने हस्बैंड से कहती हूँ आप भी देखें, देखिए कितने मजे का प्रोग्राम है, और आप जो गाने गाते हैं मैं गाती ही रहती हूँ आपके साथ गाना, मेरी आवाज अच्छी तो नहीं है और आपका मुकाबला भी नहीं कर सकती। नहीं, 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 और मुझे डॉक्टर फरा से बात करनी है। प्लीज बात कीजिए जी। सलाम डॉक्टर फरा, आपके सब मेहमानों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर फरा, मेरा वजन 65 था 4 महीने पहले, अब मेरा वजन 53 हो गया है और कम होता जाता है। पहले तो आज से 6 महीने पहले मैं खाना नहीं खाती थी, मगर मेरी कजन ने सबने कह दी कि खाना खाओ, खा सुबह नाश्ते में बस 1 या 2 स्लाइस लेती थी, और दोपहर को और रात को बिल्कुल नहीं करती खाना खाती थी। अब मैं 1 रोटी दोपहर को खा लेती हूँ और 1 रोटी रात को खा लेती हूँ, मगर ये कि अब भी मेरा वजन कम हो रहा है और मेरे हाथ और पैर बहुत जलते हैं। अच्छा अच्छा, आप तीनों बता सकते हैं, पहले फरा आप बता दें फिर आप दोनों बता दीजिएगा जी। अच्छा, हाथ पैर जलने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं, अगर फरा एक काम कर लें, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपको बताते हैं। ऑफ कोर्स मिसेस तारिक, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अपने हस्बैंड को मेरा सलाम दीजिएगा। एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग, आज का शो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने ओबेसिटी के बारे में बात की है, इसमें हमने डेंगू के बारे में बात की और नेगलेरिया के बारे में बात की है, जो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मेरे पास अभी एक कॉल आई थी जिसमें मुझसे पूछा गया था कि जी आप बताइए सार भाई कि डेंगू के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनसे बचाव की तदाबीर क्या होती हैं। तो आपको हमने उस वक्त बताया था, दोबारा से रिकैप कर रहा हूँ मैं, तमाम डॉक्टर्स इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जब डेंगू, अगर बच्चे को हाई ग्रेड फीवर हो रहा है जिसमें उसकी हड्डियों में दर्द है, तो उसे लेके फौरन डॉक्टर के पास जाएं, या बड़ों को जिसको भी है उसको फौरन लेके डॉक्टर के पास जाएं। प्लीज़ अपने घर की मेडिसिन या मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। सबसे बड़ी बात ये, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था फरा ने, इनकी अपनी बहन जिनसे मैं भी मिला हूँ, और मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि
कायनात वुड डू सच अ थिंग, लेकिन वो ज़ाहिर है बहुत मसरूफ़ रही होंगी तो उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर किया। तो बड़े उन तमाम लोगों से जो लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, खुदा ना करे अगर आपको कोई ऐसे लग रहा है कि बोन क्रशिंग किस्म की आपको फीलिंग आ रही है और आपको हाई ग्रेड फीवर है, दैट मीन्स कि खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे कहीं आप डेंगू को तो एक्सपोज नहीं हो गए, आप इमीडिएटली जाइए अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए। और ये सिम्टोमेटिक होता है, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है लेकिन इसका इलाज बहुत हद तक हो सकता है। इसके बरक्स एक आजकल जो बहुत एक फियर सा है और कराची में ख़ास तौर पे है, वो फियर नेगलेरिया कहलाता है। नेगलेरिया एक अमीबा की वजह से होता है जो पानी में पाया जाता है। ये उस पानी में मिलता है जो पानी स्टोर होता है या रखा हुआ होता है या फिर जो तालाब होते हैं उसके अंदर होता है। अगर पानी के अंदर इनफ क्लोरीन कॉन्टेंट है तो फिर उस पानी के अंदर ये अमीबा या पैरासाइट नहीं पाया जाएगा। ये नाक के ज़रिए दाखिल होता है और ब्रेन में पहुंच के इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं और ये आपके ब्रेन को खाने लगता है। आपके पास एक विंडो होती है, अगर उस विंडो के अंदर अंदर आप अपने डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो आपकी जान बचाई जा सकती है। याद रखिए कि डेंगू की मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है लेकिन नेगलेरिया की मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा ओवर एक्टिव होना पड़ता है, एक्टिव होना पड़ता है। तीन चीज़ें आपको अपने अंदर देखनी है। अगर आपकी सूंघने की हिस मुतासर हो रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी गर्दन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो रही है और आप अपनी गर्दन को ऐसे या ऐसे नहीं कर सकते, और हाई ग्रेड फीवर है दैट मीन्स 101 डिग्री से ज़्यादा है, तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। अगेन नेगलेरिया इज ट्रीटेबल लेकिन ट्रेसेबल नहीं है, बहुत मुश्किल से ट्रेस होता है। एम आई राइट? बहुत अच्छा समझा दिया। उसका रीज़न ये है कि बिकॉज बहुत सारे लोग पूछते हैं और खुदा ना करे इससे पहले कि वी वर लेट। अच्छा, आपके घरों के अंदर एक प्रॉब्लम होता है, खुदा का वास्ता जहाँ जो आपकी पानी की वाटर सोर्स है उनको कॉल कीजिए, या आपकी ज़िंदगी, आपके प्यारों की ज़िंदगी, उनको कॉल कीजिए, उनसे डिमांड कीजिए। हम टैक्सेस देते हैं, ये हमारा हक है। अगर आपको पानी कहीं से मिल रहा है तो डिमांड कीजिए कि कहाँ से ये जो सोर्स आ रही है। आप सबको भी मैं बोल रहा हूँ, तमाम लोगों को प्लीज़ डिमांड कीजिएगा। दूसरी बात, वो टैंकर्स जिनको आप मंगवा रहे हैं उनसे पूछिए कि इसमें क्लोरीन मौजूद है या नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे अगर कोई ऐसी बात होती है तो 99% ऑफ द टाइम्स चांसेस ये होते हैं कि मरीज़ जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। एंड दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू। इसकी वजह से कराची में बेतहाशा बात जी बिल्कुल स्टार्ट, मेरे ख्याल में शायद 20 से ज़्यादा की तादाद है, 20 तो हो गया, 26 काउंट की गई हैं, 26 की गई हैं। और इसका रीज़न यही है कि आप अपनी केयर नहीं करते हैं। अच्छा, घर में जिस तरह आपने कहा कि खुले हमारे पास टैंक्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनके पास आपको पता है कैसे घर हैं जिनकी टंकियाँ भी नहीं बनी हुई, उन्होंने अपने बड़े बड़े से टब्स होते हैं उनमें पानी जमा करते हैं, वो फिटकड़ी होती है, वो आप उसके अंदर घुमा सकते हैं, आप डेली बेस पे उसको घुमा सकते हैं, उससे भी ये चीज़ बहुत सी ऐसी चीज़ें पैदा होने से बच सकती हैं ऐसे जगह से। लेकिन एक एहतियात की बात कर रही हूँ, आप कर सकते हैं, ये इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप उस टीम को ज़रूर बुलाइए। अब तो हम टैक्सेस बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, अब हमारा बहुत ज़्यादा बनता है तो हमारे लिए आप लोग ज़रूर कुछ करें। और जाहिर सी बात है स्प्रे होते हैं डेंगू के लिए, वाटर जो है खैरा हुआ पानी जो है ना जहाँ पे भी हो चाहे, क्योंकि ये क्लीन वाटर में होता है, डेंगू जो है क्लीन वाटर में नहीं होता, लेकिन ठहरा हुआ पानी जो है ना इट्स अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ये याद रखें, तो उसका ख्याल जरूर रखना चाहिए कि जहाँ पे स्टेग्नेंट वाटर है। आप याद रखिए ठहरा पानी अगर आँखों में भी है उसे भी बह जाने दीजिए, बिकॉज मैं बताता हूँ बड़ा पाइल अप होकर बड़ा मसाइल पैदा कर देता है। तो अगर आँखों में भी आपके पानी ठहर गया बहने दीजिए उसको, जब बह जाएगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? मेरा नाम सायरा, लाहौर से बात कर रही हूँ। जी सायरा, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। सायरा बताएंगी कि क्या आज हम किस मसले पे बात करेंगे आपके साथ? सर मैं बात करना चाह रही हूँ, मेरा ना थोड़ा अपने वेट के हवाले से मैंने बात करनी थी। मैं एक्चुअली ना थोड़ी तकरीबन 5-6 साल पहले ना थोड़ा सा डिप्रेशन का मुझे हो गया था मसला, तो मैंने मेडिसिन भी ली, तो मैं मुझे नहीं पता अब उसका थोड़ा इफेक्ट हो गया है कि मेरा, मैं कोशिश करती हूँ अपना वेट लूज करने की लेकिन वो नहीं हो रहा। मैंने तकरीबन 5 साल ना वो मेडिसिन खाई, तो उसके बाद फिर मेरा एडमिशन हो गया, मैं लाहौर पढ़ने चली गई, वहाँ मैं 2 साल रही हूँ। मैंने ना मैं स्पोर्ट्स साइंसेज में एजुकेशन ली है, तो जहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करते थे, फिर मैंने ना अपनी मेडिसिन, मतलब हम लोग इतना बिजी होते थे
मुझे सोचने का कोई इतना टाइम नहीं था मिलता, मैंने अपनी मेडिसिन छोड़ दी। मुझे मैंने डॉक्टर से नहीं पूछा कि मैं छोड़ूं या ना छोड़ूं, मैं ना तंग आ गई थी मेडिसिन खा खा के, मैंने फिर अपनी मेडिसिन ना छोड़ दी। तो अब मैं घर आई हूँ, वहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज करते थे, मेरा तकरीबन बहुत ज़्यादा वेट लूज हो गया था। अब मैं घर आ गई हूँ, 4-5 महीने से मैं घर पे हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है फिर से मेरा वेट जो है ना वो गेन हो रहा है, लूज नहीं हो रहा। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पूछना था। और थोड़ा डिप्रेशन पे अगर आप बताना चाहें, वैसे तो आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, मुझे आपका ना बोलना जो बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं डॉक्टर अरीज से पूछना चाहूंगी इस बारे में, किस अगर वो थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दे। नहीं वो ठीक है, लेकिन आप किसके बारे में बहुत बात करी थी, डाइट के बारे में? डाइट के बारे में भी और थोड़ा सा मैं डिप्रेशन के बारे में कह रही थी कि डिप्रेशन के बारे में। ओके ठीक है, आप पहले इन लोगों से बात कर लीजिए, तीनों लोग आपको बता के चारों बता सकते हैं आपको डिप्रेशन के बारे में, और फिर उसके बाद मैं भी बता दूंगा। लेकिन पहले हम डॉक्टर अरीज की तरफ जाते हैं। अब आपने कुछ सवालात डॉक्टर साहब आपसे करेंगी, आपने जवाब बिल्कुल सही सही देने सायरा। तो सायरा पहले वही क्वेश्चन कि आपकी एज कितनी है? एज इस वक्त 24। और अभी वेट कितना है इस वक्त आपका? अभी मैंने रिसेंटली चेक नहीं किया, लेकिन मैंने तकरीबन 2 माह पहले चेक किया था, मेरा 70 था। 70 था। और हाइट? और मेरी 72 था मेरा, 72। अच्छा, और हाइट कितनी है आपकी? और मेरी हाइट है 5'5". अच्छा, आप ट्राई करते हो कोई डाइट वगैरह फॉलो करते हो खुद से? लेकिन मैं अपने घर पे होती हूँ जैसे, तो मैं अवॉइड करती हूँ, मैं पराठा भी मैं नहीं खाती, मैं बॉयल एग खा लेती हूँ, चाय ले लेती हूँ। पानी का इंटेक अच्छा है आपका? पानी बस पी लेती हूँ, ज्यादा बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन पीती हूँ। अच्छा, मुझे बताओ कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं रहती आपको? कॉन्स्टिपेशन तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैं जब ज्यादा चाय पीती हूँ तो शायद चाय की वजह से हो जाता है। अच्छा, तो चलो मैं बताता हूँ, ऑन एयर बताती हूँ। आपने डिप्रेशन के बाद, अच्छा जी ब्रेक है, ब्रेक के बाद बड़े मज़े की बात है, ये चारों लोग बताने जा रहे हैं, इनको सायरा को बताएंगे कि जी वेट लॉस कैसे किया जा सकता है, और साथ साथ सायरा को हेल्प करेंगे। सायरा को डिप्रेशन है, कुछ सवालात मुझे करने थे लेकिन सायरा चली गई, तो अब वो सवालात नहीं हो सकते, लेकिन थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है तो मुझे पता है एग्जैक्टली कि डिप्रेशन आजकल क्यों होता है। आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। अगर आपको डिप्रेशन है तो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है अब के बाद वाली जो ब्रेक है उसमें आपका डिप्रेशन खत्म हो जाए। और शेख साहब बहुत गौर से देख रहे हैं, शेख साहब मुझे कह रहे हैं तो मेरा डिप्रेशन कब खत्म होगा? आज के बाद शेख भी खत्म और डिप्रेशन भी खत्म। ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है, देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है, देख तेरा क्या मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया, हा प्यासा हा मैं याद करो, मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं याद करो, सुन लो जरा गोरी तुम शर्मा के थोड़ा सा बल खाई थी वो दिन याद करो, मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं याद करो, ते
तेरे साथ यादों का मेल रहेगा, तू मेले में रह के अकेला रहेगा। तेरे साथ यादों का मेल रहेगा, तू मेले में रह के अकेला रहेगा, अकेला रहेगा। देख तेरा क्या, देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या, लत्ते दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आवो सामने आवो सामने, बोलो जरूस के ना लंग माया। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आवो सामने आवो सामने, बोलो जरूस के ना लंग माया। सका शानों से जब आंचल गिरा, गोरी तुम वो दिन याद करो, गोरी तुम वो दिन याद करो। तेरे साथ यादों का मेल रहेगा, तू मेले में रह के अकेला रहेगा, अकेला रहेगा। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आगो सामने आगो सामने, फूलों जे रस के ना लंग माया। इसका आगे आता है, तेरी माँ ने, तेरी माँ ने पकाए अंडे, असा मंगया ते पै गए गंडे। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी कर ले। तेरी माँ ने पकाए अंडे, असी मंगया ते पै गए डंडे। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आगो सामने आगो सामने, कोलो जरूस के ना लंग माया। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आगो सामने कोलो जरूस के ना लंग माया। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या। थैंक यू, थैंक यू। कोई बात नहीं, कल मैंने एक्चुअली रेडियो पर सुना था, आई रियली वांटेड टू ट्राई दैट, तो मैंने आज ये किया, तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी, बट आई थिंक इट वेंट गुड। अंडों की जगह वो थी रोटियां, रोटियां थी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आज हम ओबेसिटी की बात करें, तो सबसे पहले तो आप उन्हें बताइए ना कि क्या
किस तरह से सायरा कम कर सकती है अपने वेट को? देखिए, सायरा का जो है ना एक्चुअली वेट होना चाहिए एज अकॉर्डिंग टू हर एज ना, 5'7" उन्होंने हाल से अपनी हाइट बताई थी, 56 थी तो 54 to 58 मैक्सिमम, और उनका 72 है, 72 ठीक है। अच्छा, एक जो से पहले कॉल आई थी उन्होंने कहा था मेरे हाथ भी जलते हैं और वजन कम होता जा रहा है, वो वाली भी बात कर लेंगे। सायरा को तो वही बात है कि डाइट अपनी जो है ना पहले पूरा पैटर्न होना चाहिए, तो अर्ली ब्रेकफास्ट होना चाहिए, ये नहीं कि मैंने अंडा ही खाया लेकिन 2 बजे खाया है फिर लेट लंच भी कर लिया और फिर रात को डिनर भी कर लिया। ब्रेकफास्ट शुड बी ऑलवेज अर्ली, कितने बजे? 9:30 AM से पहले कर लें बस। जितना अर्ली ब्रेकफास्ट होता है आपके हार्मोन्स उतने पीक पे होते हैं, उतनी अच्छी उसकी जो है ना आपका मेटाबॉलिज्म रेट उतना अच्छा होता है। ओके, तो अर्ली ब्रेकफास्ट, फिर बीच में स्नैक्स होने चाहिए जिसमें फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, इस तरह की चीज़ें स्नैकिंग के लिए होनी चाहिए। अगर रोटी नहीं छोड़ सकती तो लंच में एक रोटी ले लें, ठीक है, और विद एनी होममेड जिसमें कम ऑयल हो वो वाला साधन यूज़ कर लें। डिनर में कोशिश करनी चाहिए कि रोटी ना लें, चावल ना लें। अगर अलग से अपने लिए मील प्रिपेयर नहीं कर सकती तो जो भी सालन बना हुआ वो चमचे से दही के साथ या सैलेड के साथ खाएं। दिस इज़ लाइक बहुत ईजी, मेरे ख्याल से एवरी वन कैन फॉलो दिस डाइट प्लान, जिसमें आप अच्छा सा नाश्ता एक कर लें जल्दी, फिर आप एक रोटी ले लें दोपहर में और रात को जो भी सालन है वो चमचे के साथ खा लें। डिप्रेशन से भी उनका वेट गेन हो सकता है, उसको भी अच्छा। मैं आपको एक बात बताऊँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी डॉक्टर साहब ने की, डिप्रेशन की वजह से वेट गेन बहुत ज्यादा होता है बिकॉज स्ट्रेस ईटिंग, और वेट आपका कम भी होता है, कम हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि मोस्ट केसेस के अंदर ज्यादा होता है वेट डिप्रेशन जब होता है आपको, तो आप बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं। अच्छा, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, एंजाइटी होती है आपको, आप बहुत सारे लोगों को बहुत नींद आती है, बहुत सारे लोगों की नींद चली जाती है, बहुत सारे लोगों को बहुत भूख लगती है, बहुत सारे लोगों की भूख खत्म हो जाती है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्ट्रेस ईटिंग होती है, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी तो ये है कि मेजॉरिटी तो स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, लेकिन कुछ लोग जाहिर है, कुछ लोग आप कह रही हैं, बिकॉज आई नो अ फ्रेंड ऑफ माइन, मुझे नींद ज्यादा आती है मगर भूख नहीं लगती मेरे साथ ही होता है, तो उसमें स्लीप पैटर्न जब डिस्टर्ब होता है तब भी वेट गेन हो जाता है। ओके, तो वो ये अच्छा, ये जो बात कहते हैं स्लीप पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा इसको वजाहत कर दें। पहले तो हम उनकी बात कर लें जो बात हो रही थी, मैं एक मिनट में ब्रेक लेता हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। डॉक्टर साहब, क्या लगता है इनको डिप्रेशन क्यों है सायरा को, और डिप्रेशन का चले जो वजूहत जो भी है डिप्रेशन से निकला कैसे जा सकता है? ठीक है, सबसे पहले तो मेडिसिन तो उसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिप्रेशन में भी मेडिसिन, बिल्कुल मेडिसिन पड़ती है, कंसल्ट करें एक साइकोलॉजिस्ट से, पहले कंसल्ट करें साइकियाट्रिस्ट से, कंसल्ट करें कि कॉज क्या, कॉज रूल आउट करें, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। पहली बात, एक बड़ा टॉपिक है, आप अगर ले रहे हैं ब्रेक तो उसके बाद हम इस पे करते हैं, ब्रेक के बाद, ब्रेक बाद, क्योंकि मुझे लगता है मैं डॉक्टर साहब की बात से एग्री नहीं करता, मैं बिल्कुल मेडिसिन लेनी चाहिए, और डॉक्टर साहब क्लिनिकली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, देर हैज टू बी मेडिसिन इन्वॉल्व इन इट, जिसमें जाहिर है एक हैप्पी पिल आती है जिसको प्रोजैक कहा जाता है। मैं अगेंस्ट क्यों हूँ इन चीज़ों के, बिकॉज इन चीज़ों की डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है आपकी ज़िंदगी के अंदर, तो मैं इसके बड़ा अगेंस्ट हूँ, लेकिन डिप्रेशन दूर किया जा सकता है। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हम इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है लेकिन डॉक्टर साहब विल टॉक अबाउट इट, एंड देन ऑफ कोर्स अश्विन वी आर गोना कम टू यू ऑल्सो, फिक्र मत कीजिएगा, हम आपके डिज़ाइन देखेंगे आज ही देखेंगे। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बच्चों की वीडियोस कैसे भेज सकते हैं, बिकॉज हम बच्चों का ये सेगमेंट करने जा रहे हैं। मैंने बताया ना आपको, जस्ट वेट कीजिए, कुछ दिनों की बात है, देयर इज गोइंग टू बी, दिस सेट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली न्यू, ये शो बिल्कुल नहीं होगा, डिफरेंट होगा, मैं तो यही हूँगा, लेकिन वैसे बता रहा हूँ आपको, बाकी चीज़ें बहुत अजीब, बहुत बहुत डिफरेंट हो जाएंगी, बहुत खूबसूरत हो जाएंगी। मैं और अगर लड़कियाँ अच्छी अच्छी कोई वीडियो अपनी कोई ऐसा उनके अंदर टैलेंट है वो बना के भेज सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल भेजिए। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप एक्टिंग कर सकती हैं, इनफैक्ट TV1 के ड्रामों की एक्टिंग कर सकती हैं, TV1 का कोई कैरेक्टर ले लीजिए, उनके जो हमारे ड्रामे होते हैं, अभी धुंध, आज हम धुंध के बारे में बात करेंगे और प्लेस के बारे में बात करेंगे, उन प्लेस की अगर आप एक्टिंग कर सकती हैं या कर सकते हैं तो आप हमें अपनी वीडियोस भेजें, हम आपको यहाँ फीचर करेंगे, और हो सकता है हमारे ड्रामों में आपको चांस मिल सके। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद, वो भी राइट बैक। Once again, welcome back, and we're talking about so many things. आज हमने नेगलेरिया के बारे में बात की है, आज हमने बात की है डेंगू के बारे में, आज हमने बात की है ओबेसिटी के बारे में, और डॉक्टर साहबा लाइव हैं हमारे साथ सेशन के अंदर, और यू नो डॉक्टर साहबा को आप अपनी एज बताएं, अपनी हाइट बताइए, अपना वेट बताइए, और डॉक्टर साहबा आपको डिटर्मिन कर देती हैं कि जी एग्जैक्टली आपको कौन सी डाइट लेनी है और किस तरह से आप अपना वेट जो है वो कम कर सकते हैं। साथ साथ बात होती है डिप्रेशन की, सारा ने मैं फ़ोन किया था एंड सारा सेड कि उनको डिप्रेशन है और वो कैसे दूर किया जाए, डॉक्टर साहब ने ये कहा कि जी दवाओं की ज़रूरत होती है। मैं ये कहता हूँ डिप्रेशन, आप मेरा रेडियो सुन लें या टीवी देख लें, रेडियो सुन लें,
आपका डिप्रेशन वैसे ही दूर हो जाएगा, लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल दूर हो जाएगा, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, एंड देन ऑफकोर्स आई विल लेट यू गाइस से, आप लोग एक्सपर्ट्स हैं, मैं तो ह्यूमन बिहेवियर को जांचने वाला आदमी हूँ। मेरे ख्याल में एट द एंड ऑफ द डे एवरी सिंगल थिंग बिकम्स ऑल राइट, हर चीज़ ठीक हो जाती है। आपका परसेप्शन फ़र्क होता है, हम जिस परसेप्शन से चीज़ों को देखते हैं ना, वो परसेप्शन चेंज कीजिए। अगर आप एक बात याद रखिएगा, अगर आप ये समझती हैं कि आप ये कर सकती हैं तो आप कर लेंगी, और अगर आप ये समझती हैं कि आप नहीं कर सकती तो आप ये नहीं करेंगी। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ नेवर अबाउट हु वी बिकम, इट इज़ ऑलवेज अबाउट हाउ वी हैव बिकम। हमारे पास चॉइसेस होती हैं, आपके तुम्हारे पास भी सारा एक चॉइस है, एक क्लियर चॉइस है तुम्हारे पास। आज डिसाइड कर लो कि तुमको खुश रहना है। खुश रहना आर्ट नहीं है, इट्स प्योर साइंस। तुमको समझनी पड़ेगी ये, तुमको ये चाय का कप लेना पड़ेगा, इसको पीते हुए खुश होना पड़ेगा। पहले तुम खुश होने की एक्सरसाइज करोगी, उसके बाद तुम खुश रहना सीखना शुरू करोगी। मैं, हमारी टीम के लोग अक्सर मुझसे हैरान होते हैं कि साहिर भाई आप कैसे ना अपने दिमाग को इतना कंट्रोल कर लेते हैं, आप कैसे इतनी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, किस तरह से ये सब कुछ हो जाता है। मैं भाई ने क्या बताऊं कि कैसे हो जाता है, बस हो जाता है, ये मुझे पता है कि हो जाता है। बिकॉज मुझे एक बात का पता है, एट द एंड ऑफ द डे आई मैटर, मैं मैटर करता हूँ ना, मैं सही कर लूँगा सब कुछ। दलाई लामा एक बात कहता है कि वो चीज़ें जो आप सही कर लेंगे उनके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और वो चीज़ें जो आप सही नहीं कर सकेंगे उनके बारे में भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो आइदर इज़ गोइंग टू बी ओके और इट्स नॉट गोइंग टू बी ओके, आर यू एक्सेप्टिंग इट। आप सारे ये सारे लेसन हैं रेडियो के लिए, टेलीविजन पे मैं ये लेसन नहीं देता, आप लोग अपनी माहिराना राय से नवाज। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं भी आप किस चीज़ से इत्तेफाक करती हूँ कि अगर आप अपने, जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, जब तक आप खुद से मोहब्बत नहीं करेंगे, आप किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते। ये बात हकीकत है, क्योंकि अक्सर हम लोग ये बात कर रहे होते हैं जी हम अपना ख्याल किसी तरीके से भी नहीं रख रहे होते हैं, खुद को इग्नोर कर रहे होते हैं हर तरीके से। मैंने भी वैसे साहिर से ही बात सीखी है, सच बता रही हूँ, पहले मैं भी बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी। नहीं खुश रहना, सीखो चीज़ों को, जो हो रहा है उसको होने दो, उसको आप नहीं रोक सकते। यू कांट, तो ये चीज़ें मैंने वाकई आपसे सीखी है, ये चीज़ कि मैं खुद पे वाकई तवज्जो नहीं देना। ये सब बताओ साहिरा को, आई थिंक बहुत सारा प्रॉब्लम पीयर प्रेशर की वजह से होगा। तो ये चीज़ें हैं अंदर, आपकी उम्र में लोग बातें करते हैं, वो तो ऐसी है, वो तो ऐसा है, वो तो यूं है, वो तो, दुनिया में लोग बात करेंगे यार, हर आदमी बात करेगा। यू डू इट, देयर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, यू डोंट डू इट, देयर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं तुम्हें एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जिंदगी में मेरे बारे में सुबह शाम बात होती है, बट मुझे फिक्र नहीं होती, जो बात कर रहा है उसे करने दो यार, मैं क्या कर सकता हूँ, आई कांट डू एनीथिंग। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है क्या सच है क्या गलत है, जिंदगी में सिर्फ उन लोगों को वैल्यू करो जो तुमको वैल्यू करते हैं। जिन लोगों को तुम्हारे बारे में अंदाज़ा लगाने के लिए किसी दूसरे के ओपिनियन की ज़रूरत है, वो लोग वर्थ नहीं करते, वो लोग कोई भी चीज़ वर्थ नहीं करते। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, लाइफ में, दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे मिलेंगे तुमको जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, जो तुम्हें बताएंगे कि तुम ये नहीं कर सकती। घबराना मत, बिल्कुल नहीं, जस्ट रिलैक्स हो, मैं नहीं बोल रहा, रिलैक्स हो, आज शो ज़रूर सुनना, रात को करूँगा मैं तुम्हारे बारे में बात करूँगा, रात को 8 बजे 107.4 पे ज़रूर सुनना। सर जनाब आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैंने कहा डिप्रेशन इतना बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें ज़ाहिर है कि जो साइकेट्रिस्ट बेहतर एडवाइस देंगे उसकी कॉज जाननी पड़ेगी, कॉज क्या है। जो मेडिकली जो उसको हार्मोनल प्रॉब्लम आता है, चीज़ें आती हैं, उसके लिहाज से मैंने कहा उसमें मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। आप सही कह रहे हैं, आप भी कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन हाँ जरूर उसको एक अपना एक एनालिसिस जरूर करवाना चाहिए कि क्यों, कॉज क्या है। ऑलराइट, एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम, आज बड़ी सारी कॉल्स हैं यार। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे करिए थे? मैं बिल्कुल ठीक, क्या नाम है आपका? मेरी बेटी, मेरा नाम साइमा है, मेरी बेटी है 5 साल की। ओके। उसका वेट है, उसका वेट ना 75 kg है। कितना वो है? जो ना उसके टेस्ट वगैरह भी तमाम कीजिए, उसने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कह रहे नॉर्मल है, इनकी डाइट भी, डाइट तो करे तो आप मुझे प्लीज बता दे, बहुत उसका जिस्म फूल रहा है, उसका रंग भी सामना था, ठीक है मुझे बताए। पहले मुझे ये बताइए, एक सेकंड, पहले मुझे ये बताइए उनका वेट कितना है? 75 kg। और क्या उम्र है उनकी? उनकी उम्र है 13 अगस्त को 5 साल की हो गई है। 13 अगस्त को वो 5 साल की हो गई है। पहले आप डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब से बात कीजिए, मुझे क्लियर नहीं समझ आया, वेट कितना बता रहे हैं? 35 kg। 35 kg। अच्छा मुझे बताया आप, 25 अच्छा 25 kg है।
अच्छा, और बच्ची की हाइट वगैरह नॉर्मल है, एक्टिव है बच्ची? बच्ची की हाइट लंबी है, बच्ची की हाइट अपनी एज के मुताबिक लंबी है। आपके हस्बैंड और आपकी हाइट वगैरह बिल्ड कैसी है? जी जी, हस्बैंड की हाइट लंबी है जी। अच्छा ठीक है, आपको मैं बताती हूँ, आपने कुछ पूछना था मैं? ठीक है। अच्छा, क्योंकि हाइट बच्ची की ज़्यादा है 5 ईयर्स के अकॉर्डिंगली, और 25 kgs इतना ज़्यादा नहीं आता। अगर टेस्ट हुए हुए इन्वेस्टिगेशन हुई हुई, बच्ची एक्टिव है। क्योंकि मैंने इसलिए पूछा हस्बैंड का, क्योंकि जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हस्बैंड एंड मदर जो है, इनका जो फादर मदर जो है बच्ची के, उनकी बिल्ड भी ऐसी है तो बच्चे टॉल होते हैं, हाइट हाई। क्योंकि हम लोग बच्चों की ना हाइट के अकॉर्डिंगली भी करते हैं, एज के अकॉर्डिंगली भी करते हैं। If there, she is growing properly. 5 साल की ठीक है। ठीक है, 25 kgs और एक और टेलीफोन कॉल। अगर हाइट उसकी सही है। All right. Assalamualaikum. Hello. Hello. वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? मिसेस तारिक बोल रही हूँ सर। मिसेस तारिक, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी सर। जी मिसेस तारिक, बताइए क्या कहना चाहती हैं? मैं वेट लूज के बारे में बात करना चाहती हूँ। मेरा वेट है 62, मेरी एज है 35। अच्छा, और मेरा हाइट है 4.5 तकरीबन। मेरी एक बेटी है, तकरीबन 5 साल की होने वाली है। तो वो विषय मेरा इतना नहीं है, सिर्फ बैली फैन है। ओके ठीक है, मैं डॉक्टर साहब को देता हूँ। डॉक्टर साहब ये कह रही है इनका जिस्म बहुत ज्यादा नहीं है, बेली फैट है। अच्छा, और 32 बच्ची जो है वो सिजेरियन हुई हुई है कि नॉर्मल डिलीवरी हुई हुई आपकी? क्या नॉर्मल ऑपरेशन के साथ? हाँ, अच्छा ऑपरेशन से हुई हुई है। अच्छा, उसके बाद जो है आपने कोई फॉलो किया था कुछ अपना, जो प्रिकॉशंस बताते हैं कि आपने बेली को किस तरह करना है या नहीं? डाइट वाइट सही रखी? नहीं, नहीं, मैंने कोई फॉलो नहीं किया। अच्छा, तो इसलिए कभी रोटी कम कर देती हूँ, कभी 3 टाइम खा लेती हूँ, लेकिन वेट मेरा 55 था। अच्छा, लेकिन अभी आपको सिर्फ जो है वो आपके जो है बेली फैट ज़्यादा लगता है, फील होता है, पेट लटका हुआ है? और मेरी तकरीबन हर चीज़ सिर्फ बैली से मुझे लगती है, पता चलता है जिसकी वजह से ठीक। अच्छा, ये बेसिकली सिजेरियन के बाद जो है ना नॉर्मली होता है कि बैली मसल्स लूज हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें फैट डिपॉजिट स्टार्ट हो जाता है। फीमेल्स प्रिकॉशंस नहीं लेती, एक्सरसाइज जो, क्योंकि सिजेरियन के फ़ौरन बाद नहीं एक्सरसाइज एडवाइस करते, तो जब डॉक्टर ने एडवाइस की होगी उस वक्त चेक नहीं किया होगा इन्होंने, तो वो सही तो वहाँ पर स्किन लूज़ हो जाती है। इसके लिए एक तो टोनिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, डाइट में हाई फाइबर का इंटेक, जितने फाइबर इंटेक अच्छा। इनका वेट मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, तो ज्यादा है, बिकॉज़ ये देखिए ना 5 फीट उनका कद है और 62 केजी इनका वेट है। इनकी क्योंकि सिजेरियन की हिस्ट्री के बाद ना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ही कराते हैं, ब्लड वर्कअप कराएंगे कि इनका इंसुलिन लेवल कैसा है, इनका थायराइड। तो अब इन्हें क्या करना चाहिए? इनको किसी को कंसल्ट करके पहले इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। नॉर्मली हम लोग जब इस तरह के केसेस में ना लिवर एब्डोमिनल फैट और स्कार थिकनेस वगैरह भी देखते हैं, तो वो फिर पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। आप लोगों के लिए कुछ तोहफे हैं हमारे पास, और आज बड़े मज़े का शो है, बिकॉज कुछ तोहफे आप लोगों को ऐसे मिलने वाले हैं जो बहुत अच्छे हैं, एंड आई थिंक आपको भी, आप देखे जाएंगे ना आज कुछ इनको? देयर यू गो, छोटा सा ब्रेक है जी आपसे। डॉक्टर साहब आप भी अपनी बेगम के लिए लेके जाइएगा, या मतलब किसी के लिए भी ले लें, मैं आपको रोकूंगा नहीं। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद, वी राइट बैक। अच्छा जी, हम वापस आ गए और अफशीन मुगल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अफशीन, कहाँ से आप, नीचे से कहाँ से बरामद हो रही हैं? कैसी हैं आप? एक्चुअली मुझे सेट करना पड़ता है। आ गया जी, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल। अच्छा जी, तो ये क्या है जरा मुझे कुछ थोड़ा सा बता दीजिए, और आप सबसे पहले तो कब शुरू किया था आपने ये? ये मैंने स्टार्ट किया था 2015 में। 2015 में? Yes. तो कोई खास वजह थी इसको शुरू करने की? खुद ही शौक था आपको बहुत ज्यादा? जी शौक था। ओके ओके, तो कहीं तालीम हासिल की? जी हाँ बिल्कुल, एकरा यूनिवर्सिटी से मैंने स्टडी की है। एकरा से आप? एकरा ने। और एकरा के बाद आपने डिसाइड किया कि आप खुद शुरू करेंगे? अभी कंटिन्यू है मेरी स्टडी, अभी मेरा फाइनल नहीं हुआ। ओके, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, यू आर ऑलरेडी एन एंटरप्रेन्योर, मतलब आप अभी से आपका कारोबार शुरू हो चुका है। वंडरफुल, दैट इज रियली नाइस। तो ये आपने अपने ही नाम से किया है अफशीन मुगल? जी बिल्कुल। और ये आपके जो ये जो ब्रांड है ये भी अफशीन मुगल कहलाता है? जी हाँ। और किस किस्म के आपके पास डिजाइन होते हैं? हमारे पास कैजुअल भी हैं, पार्टी वेयर भी हैं और फॉर्मल वेयर भी हैं। ओके, तो आज आप हमारे पास क्या कलेक्शन लेके आई हैं? मैं आपके पास, जैसे कि सीजन चल रहा है, शादी का मैरिज सीजन आ गया है, तो हमें ब्राइडल भी लेकर आई हूँ और कैजुअल भी लेकर। शादी का सीजन? इन दिनों शादी का सीजन?
बस नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट है, इस मंथ में भी कुछ लोगों के हो रही हैं शादियां वगैरह, और दिसंबर में तो आपको पता है बिल्कुल ही शादियां ही होंगी, रबी लेवल में आपको पता है शादी। अच्छा ओके, तो अब जब शादियां जब आती हैं तो आप बहुत बिजी हो जाती हैं। यस ऑफ कोर्स। अच्छा मैं हमेशा से ये जानना चाहता था शादी के जोड़े में इतना टाइम क्यों लगता है, Why is it कि आप शादी का जोड़ा बनवाने जाएं, मतलब अगर आप किसी को बोले तो कोई हर आदमी टाइम दे रहा था 3 महीने का, Why 3 महीने? क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो आ जाता है, पेंडिंग में हो जाता है, दूसरों का भी होता है। जी हाँ, okay. बहुत सारे ऑर्डर्स वगैरह होते हैं जिनको हमने लाइन अप करना होता है, कुछ की शादी जल्दी होती है, कुछ का टाइम पीरियड होता है, तो हमें ये कि ऑर्डर ले लेते हैं उस पर काम में टाइम लगता है। अब जैसे कि ये है, आप देख लें इस पर कितना है सारा काम हुआ हुआ है, और इस पर टोटली हैंड वर्क। थोड़ी सी मदद कर दीजिए इसमें, हाँ जी दिखाइएगा ज़रा। This is very nice though. ये ब्राइडल है? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा ये ब्राइडल है? ओके। अच्छा ये ब्राइडल। आपको गाड़ी के साथ? अच्छा। यहाँ भी ठीक ही है? ठीक। हाँ यहाँ। ठीक है? Very nice. हाँ जी। इस काम को प्रोसेस होने में बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगता है, इसलिए इसमें टाइम लग जाता है। ओके। तो ये तो बहुत एक्सपेंसिव भी होगा? यस। इसकी प्राइस क्या होंगे नॉर्मल? इसके नॉर्मली बहुत जो बहुत हैवी है, लेट मी सी, क्या है जो डायमंड्स लगे हुए हैं? ओह माय गॉड यार, ये तो आप मतलब इससे तो वेट्स कर सकते हैं आराम से, कोई इशू ही नहीं है। दिस इज वेरी हैवी, क्योंकि इसके पीछे टेल है और ये टेल भी अच्छा है, और इसके ऊपर जो वर्क यूज हुआ है ये वर्क बहुत क्रिस्टल वर्क है, डायमंड्स वगैरह है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है सीन। And the thing is, it's very, very heavy. तो क्या दुल्हन इसको कैरी कर लेती है? Yes, of course. इसके अलावा दुल्हन इसमें कैनकेन भी वेरी करती हैं। क्या क्या क्या? कैनकेन होती है जिससे गाउन को आपको फ्लेयर मिलता है। Oh my God! वो जो तार लगाई हुई होती है। What is it called? That not wire. इसको कहेंगे कैन कैन, उसमें लेयर्स होती हैं, एक नेट सी होती है, उसमें लेयर्स होती हैं बहुत ज्यादा। इट्स लाइक अ स्कर्ट आई थिंक। जी अच्छा, तो ये जब आप बनाती हैं तो ये 3 महीने लगते हैं आपको उसको बनाने में? 3 to 4 months भी लग सकते हैं, इट्स डिपेंड। 3 to 4 months, ओके, वाओ, बहुत हैवी है। और ये मोस्टली हैंड वर्क के जो वर्कर्स बैठते हैं और अपने हैंड से काम करते हैं। तो आप इसके क्या चार्जेस क्या होते हैं, क्या मतलब लेती हैं आप? हर ड्रेस के एक अलग चार्जेस होते हैं। जिस इसका इसके 2,50,000, 2,50,000 रुपए का। यस, फिर भी बहुत अच्छा है, बिकॉज अगर यही काम आप बाहर किसी और डिजाइनर का देखेंगे हाँ। तो वो ये 20-25-25-30-30 लाख रुपए के भी होते हैं, इवन मोर। अभी मेरा स्टार्ट लेवल है तो मैंने इसलिए कम प्राइसेस रखे हैं। बहुत है, और आपका काम बहुत अच्छा है, आई लव योर वर्क, काम बहुत अच्छा है। अच्छा कोने पे जो पीस है आपके पास वो क्या है? ये वाला हुँ. ये भी ब्राइडल है। हां इसका भी सेम कट है, कलर चेंज है, कलर चेंज है। हां जी, और ये इतना ज्यादा हैवी नहीं है। हां ये जरा कम है, ये इसका वेट ज्यादा नहीं है। यस That was like 2 piece ना? जी ये मैक्सी है, सिंगल ये मैक्सी है। ओके इसके साथ भी टेल है, राइट? यस। मैं जरा डॉक्टर साहब के साथ बैठ के ना बहुत ज्यादा जीनियस लगूंगा यहाँ बैठ के, तो हम लोग वी वुड जस्ट, तो डॉक्टर साहब अगर आपको चुनना हो तो आप कौन सा चुनेंगे, इसमें से या उसमें से? इसमें से। हाँ ये या वो वाला? ये वाला, ये वाला, मुझे भी यही अच्छा लग रहा है। अच्छा मैनर लाइक दैट ना, थोड़े से वो सिंपल होते हैं तो अच्छा, सटल कलर्स, ओके ओके। बट अच्छा मुझे वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, बट आई थिंक इफ आई वर टू चूज आई विल चूज दिस, ओके मुझे ये अच्छा लगेगा। कलर बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। ज्यादा मैं प्लीज नहीं पकड़ सकती, मेरा हाथ थक गया, बहुत हैवी बैठ गया, बड़ा बैठ गया। ओके अच्छा दूसरा दिखाइएगा, प्लीज दिखाइए और कौन से दूसरा आप मुझे बताएं, लाइट में दिखा दूं या हैवी में दिखा दूं? आई डोंट केयर, आपका जब ये आपका टाइम है, आप जैसे देखना चाहें करना चाहें। ये हमारे बहुत ज्यादा कैजुअल्स वगैरह में आ जाता है। लव इट, एब्सोल्युटली लव इट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, आई लव इट। ये देखिए, हां ये दिखाइएगा, ये वेरी नाइस, ये ठीक है। इसके साथ जामा वर्क ट्राउजर है, कोई आई थिंक चीज होती है ट्राउजर। अच्छा इसका ये क्या है? अच्छा दिखा दीजिए आप ट्राउजर्स। ओह नाइस, ट्राउजर के साथ अच्छा लग रहा है ना, तो ऐसा डिफरेंट। अच्छा ये जामा वर्क का ट्राउजर है? यस ऑफ कोर्स। ओके ओके ठीक है, बड़ा हेल्प कर दूं। वेरी नाइस, आई लव दिस, व्हाट यू, ये जो आपके हाथ में ये वाला ब्लैक वाला, ये जरा दिखाइएगा अफशीन, ये जो ब्लैक वाला आपके हाथ में था, ये वाला, आई लव दिस, दिस इज जस्ट रियली नाइस। इसकी क्या प्राइस है? फ्रंट एंड बैक 3,999। वेरी नाइस, ट्राउजर के साथ है? यस नाइस, खाली कुर्ता होता है इतना। वेरी नाइस, हाँ जी और दिखाइए।
अगर आप हम दोनों को देंगी तो कौन कौन से देंगी? ये हैं डिफरेंट कलर्स में। ओह आई लव दिस ब्लैक अगेन। ये इसमें भी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये, बहुत ही अच्छा है। ब्लैक पे हर चीज खिलता है। बट ये क्या है? मुझे भी फेवरेट लगता है, ब्लैक मेरा भी फेवरेट है। ये इज जस्ट अ कुर्ती टाइप। क्या है? शर्ट कुर्ती। ओके ओके, दिस स्मॉल जो कुर्तीज होती हैं वो जीन्स पे पहनने के लिए? नो, आप इसको ट्राउजर के साथ वेयर कर सकते हैं, जामावा ट्राउजर भी यूज कर सकते हैं आप। अच्छा, या एनी लेगिंग्स वगैरह। किसके साथ? एनी लेगिंग्स, टाइट्स वगैरह, टाइट्स पहन लिया आपने। आपने किसके साथ? ओके, टाइट्स के साथ। यस। ओके, वंडरफुल, ब्यूटीफुल। और ये प्राइसिंग इसकी कितनी है? इसके प्राइसेस हैं 4999। वेरी नाइस, 4999। बहुत शिद्दत से तलाश में है दूसरी शादी के। मतलब आपका जब भी प्लान बने, आप अपनी ब्राइडल का ड्रेस जो है हम उसे प्लान बन चुका है। प्लान बन चुका है, की किसी बात में नुक्स मत निकालिएगा आज के बाद। प्लान प्लान बन चुका है और यू नो भाभी भी मिल गई हमें। गिराते हैं नशे मत बिजली, कोई और गैस नहीं होता। ओके, ब्रेक है। अच्छा जी यार, ये तो गलत है यार, ये भी है। आई लव दिस, दिस इज ओके, बाय फार दिस इज माई फेवरेट, दिस इज जस्ट अमेजिंग, ब्यूटिफुल। मैं ये दिखाना चाहता हूँ जी, ये आपने काम जो किया ना, ये बहुत अच्छा काम है। आई लव दिस, आई एक्चुअली लव दिस। ये नॉर्मली मुझे शादियों की इस किस्म की चीज़ें पसंद नहीं आती, लेकिन ये बहुत अच्छा है, बहुत एलिगेंट है। एंड द वे दिस होल एंसेंबल इज, आई थिंक इज दिस वेरी नाइस। एक छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वो ब्रेक बैक Once again, welcome back। और बड़े बड़े डॉक्टर्स जो होते हैं वो भी एंड में कपड़ों के फैन निकलते हैं, तो वो फौरन से पहले कपड़ों पे चले जाते हैं और अपनी डील्स कट करने के लिए बहुत ज़्यादा वो नज़र आते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट जी, हाँ तो हम मैं तो डॉक्टर साहब के पास बैठा हूँ जाके जी। तो डॉक्टर साहब आपने पसंद कर लिया? जी बिल्कुल। ओके, आपने पसंद कर लिया फरा? जी ठीक है। आप डॉक्टर साहब, आप सिर्फ आप रह गए, आप पसंद कर लें, आप पसंद कर लें। इतनी कहानी आपने की, ये भी आप क्या मतलब है? कील भी आप ही ठोक दिया? नहीं, क्या मतलब है कील ठोक दूं मैं? अच्छा दिखाइएगा जरा, और चीजें दिखाइए। नाइस नाइस, वेरी नाइस। अगर आपको शॉर्ट में, इसको क्या कहते हैं? इसे पेपलम भी कहते हैं। पेपलम, ओके ठीक है। और प्योर बनारसी है। अच्छा, वो लोग जो सर टेलीविजन देख रहे हैं वो ये ले सकते हैं, ये पेपलम भी ले सकते हैं। उनको हम दो जोड़े ऐसे होंगे जो हम फ्री देने जा रहे हैं, एब्सोल्युटली, शो की तरफ से, अफशीन की तरफ से, अफशीन आपकी तरफ से। यस यस, सो दैट्स, हम दो देने जा रहे हैं, तो प्लीज गिव अस अ कॉल। हाँ जी, और इसके बराबर में जो है ये भी बहुत अच्छा है। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, वेरी कूल, वेरी कूल जी, वेरी कूल, आई लव इट। आपके 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 जो जितने आप अर्दी उसके अंदर बनाती हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। ये जो मैंने भी वेयर किया हुआ है, ये तो डॉक्टर साहब को दे दे, मुझे भी लग रहा है कि ये ना ये जाना चाहिए डॉक्टर साहब के लिए। डॉक्टर साहब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, वेरी नाइस। और दिखाइएगा, नाइस नाइस, ट्रूली नाइस, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, गुड वर्क, वेरी गुड वर्क, वेरी डिटेल्ड वर्क, एंड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, सिंपल है येट वेरी एलिगेंट। बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, अच्छा ये मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया कि जो क्रॉस गले होते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया। नहीं, ये डिजाइन है। मैं तो अपनी बात करूं, मुझे समझ नहीं आते, बट लुक्स गुड, लुक्स वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। हाँ जी, ये जिसके बराबर में ये कौन सा? ये वाला दैट दैट जी, ये अगेन, या ये अंगरखा टाइप है? यस, ये अंगरखा है। अंगरखा है, अंगरखा विद पेपलम। अंगरखा इस तरह से हो गया, लाइक ये फोल्डिंग आ गया, एंड देन पेपलम लाइक शॉर्ट में है। ओके
अंगरखा विद पेपलम, यस ओके जी ठीक है। और आपको दिखाती हूँ ब्राइड के लिए, सॉरी इवेंट वगैरह के लिए, किसी पार्टी में जाना हो, किसी शादी के इवेंट में जाना हो उसके लिए। तो ये मतलब अगर नई नई शादी हुई है तो वो भी पहन सकती हैं? यस। और कितने दिनों की दुल्हन होनी चाहिए जो पहन सकती हैं? 2 to 3 days। अच्छा इतनी जल्दी? अगर किसी दावत में जाना है, कहीं जाना है, या किसी और की शादी आ जाती है, उनके भाई की शादी आ जाती है। अच्छा ये मतलब अगर जैसे हम जैसे दोस्त दावत करें अपनी भोने अपनी भाभी की, तो वो नई वाली भाभी की, तो उसमें अगर उनका माइंड है लाइक इस तरह कितना हैवी पहन के जाना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं उनको बहुत हैवी पसंद नहीं होते। और ये जो बात कर रहा ना पीछे से, इनको जरा बंद करवा दें यार, शो हो रहा है। हाँ हैवी पहन के जाएंगी, वो हैवी पहन के जाएंगी, तो ये पहना जा सकता है ना? यस हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत है। अगर इनके हस्बैंड हर चीज पे एग्री कर रहे हो, कौन सर एग्री करने पे? आप काम आपके फंसवाया मैंने, हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है, काम काम इनके बट फंसवाया मैंने। जी जी मैं कसूरवार जी, थैंक यू जी, मैं कसूरवार। घर आते रहते हैं। और भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है, कमाल खाना बनाती है भाभी, वी लव यू। लेकिन नहीं बड़ा गलत बात है। अच्छा भाई मैं आपको ये बता दूँ भाभी, आपको तो पता ही है यू नो नदीम भाई का कि यू नो या वेरी हैंडसम मैन, और अब हो गया है तो प्लीज़ माफ़ भी कर दीजिएगा, अब हो गया ही, अब इसको रोका नहीं जा सकता। जी थैंक यू वेरी मच जी। और भाभी खुदा का वास्ता आज इनका मोबाइल चेक जरूर कीजिएगा, खुदा का वास्ता मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये आप कौन कौन से कपड़े निकाल रही हैं? जो जो मिला ले जाऊंगा। ये बहुत खूबसूरत है। अच्छा ये मुझे बताइए, ये जो आपने सोचा है, ये जो इसकी जो ये है स्लीव्स जो है, ये बहुत इसमें वो पड़ते हैं ना, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। अच्छा इसकी प्राइस क्या होगी? हाउ मच इज दिस? इस प्राइस इज 25 to 30,000। यस ओके व्हाट 25 to 30? आप श्योर क्यों नहीं है प्राइसेस के बारे में? बिकॉज इतने सारे ड्रेसेस के प्राइसेस मैं किस तरह से याद रखूँ? ओके थैंक यू, बट बहुत बहुत खूबसूरत है, आपके ड्रेसेस बहुत अच्छे हैं, एवरी थिंग इज जस्ट रियल। आपको अगर इसमें से अपने कोई मोस्ट फेवरेट पिक करना हो तो वो कौन सा है? मेरा जो अपना मोस्ट फेवरेट ड्रेस है वो बिल्कुल इसी की कॉपी है, अगर आप मेरी पिक्चर्स प्ले कर सकते तो शायद उसमें। लेट्स प्ले इट, लेट्स प्ले इट, दिखाइए जी दिखाइए इनकी पिक्चर्स दिखाइए, एंड लेट्स सी कि जी इनके पिक्चर्स के अंदर कौन कौन से इनके ड्रेसेस हैं। देयर यू गो, ये वाला है इसी तरह का ही है शायद, आई थिंक मैंने सेट नहीं की, मुझे याद नहीं। आगे दिखाइए, ये तो सेम वही है ना? अच्छा। ये इसकी बात कर रही थी जो बहुत ज्यादा घेर हो रहा है ना, ये यही वाला ड्रेस जी हाँ। ओके ओके जी आगे दिखाइएगा, वेरी नाइस ब्यूटीफुल। अच्छा जब ये पहना जाता है तो ये तो होल एंसेंबल होके तो बड़ा बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे दिखाइए, वेरी नाइस, ये एक्चुअल में अभी भी है? यस ओके ये ईशा नूर है एक्टर। अच्छा मैं पहचाना नहीं, ओके वेरी सॉरी ईशा, ओके वेरी नाइस। ईशा को नहीं पहचाना? मैं नहीं पहचाना, आई एम सॉरी। ओके वो आई थिंक मेकअप के बाद बहुत लोग बहुत डिफरेंट लगते हैं तो नहीं, कुछ पिक्सलेट भी हो रहा है ना वो नहीं। हाँ कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा आगे दिखाइए, ईशा वैसे बहुत खूबसूरत है। अच्छा दिस इज वेरी नाइस भाई, ये क्या कॉम्बिनेशन है? ये विंटर की कलेक्शन है और बहुत फ्लेयर वाला फ्रॉक है एंड विद जैकेट ऊपर, क्योंकि विंटर में ये होता है कि आप स्वेटर तो वेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने वेलवेट का जैकेट बनाया। ऑलराइट जी आगे, इन्हें तो मैं नहीं जानता ना? नो ओके वेरी नाइस, बहुत अच्छा, दिस इज आल्सो वेरी नाइस, वेरी क्लासी, थैंक यू, एलिगेंट, बहुत खूबसूरत। अच्छा जी ये थोड़ा सा बता दीजिए क्या है? ये कुर्ती है, कुर्ती ओके ठीक है। दान जी आगे निकालें, विद एम्ब्रॉयडरी है, ये तो वही है जो आपने अभी दिखाई थी, बट इसकी नेक पे काम है, इसकी नेक पे वर्क हुआ है। आई लाइक इट, आई लाइक इट, वंडरफुल, बहुत अच्छा, कट स्टाइल वही है जी जी बिल्कुल ठीक है। आगे, व्हाट्स वेरी नाइस, ये बहुत प्यारा है, इसके नीचे सारी डॉल्स बनी हुई है बॉर्डर पे, डॉल्स बनी हुई है, यस लाइक लड़कियां हैं जो पानी भर के ला रही होती हैं गड़े, जो पुराने नहीं आई थिंक सर पे, तो वो शायद वो है कैप है,
और ये 7 layers में बना है, नेट पे है टोटली 7 layers। जो आपने लड़कियों को पानी भरवाया है इसके पीछे कोई खास कहानी है? ये कलेक्शन तो खत्म भी हो गई है, लेकिन अभी भी जब कोई ऑर्डर आता है देन मैं बनाती हूं। अभी आएगा आपको एक ऑर्डर तो कम से कम मिल जाएगा। दिस इज वेरी नाइस, ये कंप्लीट दिखाएं तो ज्यादा अच्छा है। अब मुझे नहीं पता, मैं तो यहां खड़ा हूं ना, बताइए जी कंप्लीट दिखा दें पूरा। अच्छा, बट दिस इज नाइस, तो जो जितना भी नजर आ रहा है उतना बहुत खूबसूरत लग रहा है। ब्लैक पे काम हुआ भाई? यस। ओके ओके, एंड द कलर्स दैट यू हैव यूज्ड वो बहुत खूबसूरत है। पिंक इसमें बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा आपने इसमें आप इसमें नेकलाइन देखिए, नेकलाइन कितनी प्यारी लग रही है। आगे दिखाइए जी, दैट्स इट, नहीं है, खत्म हो गया जी। मैम प्लीज थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अच्छा, तो आप इनमें से आप बताइए डॉक्टर साहबा को आप क्या देंगी? साहब आप देख लें, आपके पास और भी कलेक्शन होगी ना? यस, उसमें से भी चूज किया जा सकता है। जी हाँ, सो डॉक्टर साहब एक्सचेंज योर नंबर्स तो यू गाइस कैन चूज। अच्छा, आपके लिए, इनके लिए, आप भी, आपके पास नंबर है मेरा, आपके पास मेरा कार्ड है, आप मेरे स्टूडियो आइएगा, इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। सो यू गाइस आपके साथ ही जाएंगे? नहीं, मेरे साथ नहीं जाएंगे, मैं तो जा ही नहीं रहा, यहाँ तो जा ही नहीं रहा ना मैं, मेरा कोई काम नहीं है इस जगह। आप बताइए, जो ये दे देंगे ले लें? अच्छा, जो ये दे देंगे ले लेंगे, ठीक है। पहले बताएं ब्राइडल चाहिए कौन सा चाहिए? 100% ब्राइडल, 100% ब्राइडल, 100%। मैं आपको बता दूं जी, चलेगा? बताएं, चलेगा चलेगा, डॉक्टर साहब तो बिल्कुल चलेगा। डॉक्टर साहब ने कल ही मैचिंग पर्स भी लिया है। ओह गुड, क्या कहते हैं उसको, क्लच बोलते, क्लच, हाँ, तो मैचिंग क्लच भी लिया है, तो नो वरी भाभी, आज मोबाइल चेक करना भाई का, और कुछ नहीं आपने। अच्छा, ब्रेक आ गई है, छोटा सा ब्रेक है, बट बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक आई वांट टू टेल यू दिस, आई सीन, बहुत अच्छा कलेक्शन है, इट्स ब्यूटीफुल, द इंट्रिकेट वर्क दैट यू डू वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगा है मुझे। और मैं आप लोगों को, आप MCR में कॉल कीजिए, हम लोग आप लोगों को 2 dresses देने जा रहे हैं अफशीन की तरफ से, अफशीन की चॉइस के, आप हमें कॉल कीजिए और आप इनका पूरा नाम बताइए, इनका पूरा नाम है अफशीन मुगल। फेसबुक पेज क्या है आपका? अफशीन मुगल हॉट कुटूर, अफशीन मुगल हॉट कुटूर, ओके जी, अफशीन मुगल हॉट कुटूर इनका फेसबुक पेज है, उसको जाके विजिट करें, अपनी सेल्फी लें और कहें अफशीन वी लव यू, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी, बट ऑनेस्टली आई लव इट, बहुत अच्छा। ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, TV1, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये TV1 हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें लेके आता है जो बहुत खूबसूरत होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, और उनको खुद बैठ के देखता हूँ, मैं खुद भी देखता हूँ। उसमें से एक ड्रामा है, एक सीरीज़ है जिसे धुंध कहते हैं। आज अनफॉर्चुनेटली इसकी आखिरी किस्त हम पेश करने जा रहे हैं, लेकिन ये दोबारा शुरू हो रही है और दोबारा से नई धुंध हम बनाएंगे और वो आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन आज की सीरीज़ बड़ी, सीरीज़ का जो फिनाली है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुर्दा लोगों को ज़िंदा देखने वाली एक औरत की कहानी है जो बताती है कि हमारी दुनिया के साथ एक गैबी दुनिया भी है जिसके किरदार कभी कभी अचानक हमारे सामने आ जाते हैं, फिर अजीबोगरीब वाकयात रूनुमा होते हैं। मारिया वास्ती ने इसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो किया था। कभी कभी नादानिस्ता लोगों पर, परेशान हाल लोगों की वो मदद करती है और बिछड़े हुओं को अपनों से मिलाती है, बेचैन रूहों को आसूदा करती है। आज इसका क्लाइमेक्स है धुंध का, आज बहुत सारी मिस्ट्रीज जो होंगी वो रिवील होंगी, जिसमें से मारिया, उसके शौहर और बेटे के ताल्लुकात का क्या बनेगा, मारिया से मोहब्बत करता है एक पुलिस ऑफिसर, उसके प्यार को मंजिल मिल सकेगी या नहीं, क्या मारिया की ये सलाहियत बाकी रहेगी, और एक सवाल और है कि क्या आप चाहते हैं कि इसका दूसरा सीज़न हो? मैं चाहता हूं कि इसका दूसरा सीज़न हो। अब इमेजिन कीजिए कि कोई ऐसा शख्स बता रहा, अभी नहीं, मैं पहले मुझे बताने दीजिए, इमेजिन करें कि कोई एक ऐसा शख्स जो आपसे बिछड़ चुका है, अचानक से वो आपके सामने आ जाए और उसको सामने वाला कोई एक ऐसा शख्स हो जिसे आप कभी नहीं जानते हो और वो आपको उससे मिलवा दे और जो कुछ आपको कहना है आप उससे वो कह पाएं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, धुंध कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके पास एक ऐसी सलाहियत मौजूद है जहां वो कभी कभी गैबी दुनिया से इमदाद लेकर बिछड़े हुओं को आपस में मिलवा देती है। वो एक ऐसी ताकत है जिसकी वजह से कभी कभी वो लोग जब इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनसे आमना सामना आपका हो जाता है।
मारिया की एक ज़िंदगी और भी है जिसमें उसका बेटा है, उसका शौहर है और मारिया से प्यार करता है एक पुलिस ऑफिसर। आज इस सीरीज़ का फिनाली है, सीरीज़ का फिनाली है, दैट मीन्स आज ये सीरीज़ की आखिरी किस्त है। क्या मारिया के प्यार को उसकी मंजिल मिल सकेगी, मारिया के बेटे, मारिया के शौहर के ताल्लुकात का क्या बनेगा, और साथ साथ क्या आप देखना चाहेंगे इस सीरीज़ का दूसरा हिस्सा, इसके बारे में आप हमारे पेज पर जाएंगे, आपके साहिर पे, वहाँ जाके कमेंट्स देंगे। इसके इसमें आप जाके टीवी वन के पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर कमेंट्स दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आइए दिखाता हूँ आपको कि आज होने क्या वाला है, इसके बाद इन लोगों से बात करेंगे। प्लीज़ वॉच दिस। कहते हैं कि अगर वो मुझे उधर से लेके भागते नहीं ना तो अमी शायद मुझे जान से मार देती। इसकी हालत मेरी वजह से हुई, ये तो पहले से आधी पागल थी। मेरे अब्बू को बेईमान मत बोलिए प्लीज। मैं उसे उसका बाप नहीं छीनना चाहती जिसे वो बहुत प्यार करती है। मैं कहता हूं हटाओ वरना मैं मार दूंगा इसे। और अगर तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है ना तो मैं बिल्कुल तकल्लुफ नहीं करूंगा। देखिए मिस्ट्री सीरीज धूम मंगल की रात 8 बजे सिर्फ टीवी वन पर। आपसे रिश्ता है प्यार का। आज रात 8 बजे धुंध की आखिरी किस्त जो है वो पेश की जाएगी, सीरीज का फिनाली है। लेट मी आस्क डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ऐसी कोई सीरीज अगर हो तो आप देखना चाहेंगी? जी जरूर, बिल्कुल। आई थिंक मैंने ये भी थोड़ा फॉलो किया। और आपको कैसा लगता? अच्छा है, बिकॉज़ इट्स लाइक आप थोड़े रिफ्रेश हो जाते हैं, बिकॉज़ इट्स डिफरेंट दैन डेली की जो आपकी परेशानियां टेंशन होती हैं उनसे डिफरेंट, उससे मुख्तलिफ है। ऑलराइट वफारा, मैं आज जरूर देखूंगी आज रात को। लेकिन आप इसकी सीरीज का दूसरा हिस्सा देखना चाहेंगी? बिल्कुल देखना चाहूंगी कुछ नया है, कुछ नया जी। आप बताइए जी। बिल्कुल, आपने इस तरह से बताया है इसके बारे में तो सुन के ही कुछ अच्छा लग रहा है। yeah? तो मैं चाहूंगी बिल्कुल देखने के लिए। एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल। इसकी डिफरेंट काफी स्टोरी लग रही है और आगे भी इसको चलना चाहिए ना। तो सीरीज का जी हमें तो यहाँ से जवाब आ गया, चार लोग मौजूद हैं, चारों ने ये कहा है कि इसका दूसरा हिस्सा बनना चाहिए। मैं भी ये कहता हूँ कि इसका दूसरा हिस्सा बनना चाहिए। सीरीज के पहले हिस्से को मोहम्मद अहमद ने तहरीर किया है, फैज़ ने इसकी डायरेक्शन दी है, टीवी वन की पेशकश है। आज रात 8 बजे आपको पता चलना है कि मारिया और उसके बेटे और उसके शौहर के ताल्लुकात का क्या होगा, क्या उसका शौहर मारिया के साथ रहेगा, उसके बेटे के साथ क्या सिलसिले बनेंगे, क्या उसको छीन तो नहीं लेगा वो, और साथ साथ वो पुलिस इंस्पेक्टर जो इसमें इसकी मदद करता है वो भी मारिया की मोहब्बत में गिरफ्तार है, क्या मारिया उससे मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये सब आप जानेंगे आज रात 8 बजे। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और सवाल है, क्या मारिया की ये सलाहियत जो है कि वो लोगों को देख लेती है, उन लोगों को देख लेती है जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, क्या ये बाकी रहेगी? और अगर ये बाकी रहेगी तो फिर इसकी इब्तिदा अब कहाँ से होनी है, क्या इसी सीरीज़ की एक दूसरी सीरीज़ आएगी? ये सब देखने के लिए आपको आज रात की एपिसोड देखनी पड़ेगी जो ठीक 8 बजे शुरू होती है। मैं भी देखूंगा, आप भी देखेंगे। जाके कमेंट कीजिए आपके साहिर के पेज पे। वी लव यू। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वंस अगैन वेलकम बैक। आई नो टाइम कम रह गया है लेकिन मैंने आपको फिर मैं बार बार आपको बता रहा हूँ और दोबारा कह रहा हूँ, हम कुछ नया लेके आ रहे हैं और कुछ ऐसा नया लेके आ रहे हैं कि वाकई ये सब कुछ बदल, मैं नहीं बदलूँगा प्लीज़ बिल्कुल मत सोचिएगा, मैं कहीं भी नहीं जा रहा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, बहुत सारी चीज़ें नई होंगी, बहुत सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत होंगी, बहुत सारी चीज़ों में आप हमारा हिस्सा डायरेक्ट बनेंगे। दैट मीन्स कि आपको चांस मिलेगा कि आप यहाँ पर आ जाएं और हमारे साथ आके पार्टिसिपेट करें, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके घर की बेल बजेगी, आप दरवाज़ा खोलेंगे और मैं अपनी टीम के साथ खड़ा हूँगा, ये भी होगा। बहुत सारे सेगमेंट्स बहुत नए हैं, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हैं, हम बहुत जल्द आपके सामने उसको रिवील करेंगे, नया सेट पूरा रिवील हो जाएगा। हमने ये जो 2 वीक की ब्रेक ली थी उसकी हमने बहुत सारी प्रिपरेशन की है एंड सिर्फ ओनली फॉर यू। अच्छा, आप लाइव हमें यहाँ भी देखेंगे, लाइव आप हमें इंटरनेट पे भी देखेंगे, मतलब यूट्यूब पे भी देखेंगे, स्ट्रीमिंग पे भी देखेंगे, और साथ साथ आपके लिए बड़े मज़े मज़े के प्राइजेज होंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके बेटे
की, बच्चे की कोई वीडियो है या आपकी अपनी कोई वीडियो है जो बहुत टैलेंटेड है और आपको लगता है कि बस वही दिखानी चाहिए, बहुत फनी है, तो आप हमको भेजें। बड़े ग्रैंड प्राइजेज आपके लिए होंगे, हम आपको व्हाट्सएप का नंबर देंगे ताकि आप व्हाट्सएप पर हमारे साथ वो शेयर कर सकें। लेकिन फाइनल थॉट्स विद ऑल यू गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप कोई फाइनल एडवाइस देना चाहती हैं उन लोगों को जो आपको देख रही हैं? एडवाइस बस यही कि अपना ख्याल रखें सेहत का, अच्छा खाएं पिएं, सोए कम, वर्जिश ज़्यादा। सोए कम, वर्जिश ज़्यादा, डॉक्टर साहब ने कहा जी, सोए हाँ, एक्टिव लाइफ स्टाइल, एक्टिव लाइफ, ओके ओके, हाँ जी जी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, वॉक करें, ज़रूर करें, 100 कदम तो ज़रूर चलें। और दूसरी बात ये कि लाहौर आ रहे हैं, 100 से ज्यादा बताएं, कम से कम 100 कदम, कम से कम लाइक वॉक के लिए एटलीस्ट। वो लोग एक्चुअली, बहुत सारे लोग ये कहते हैं हम वॉक नहीं कर सकते, उनके घुटनों का दर्द उनको होता है, उनके साथ बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो कम से कम आप 100 कदम की वॉक तो जरूर करें। और साथ ही साथ लाहौर आ रहे हैं 17 और 18 को, मैं और डॉक्टर बिल्किस इंशाल्लाह आपको वहां मिलेंगे। यार आप लोग लाहौर बहुत जाते हैं, पेशेंट्स होते हैं हर 15 दिन के बाद। आप लोग पाकिस्तान में और जगह भी ट्रैवल करते हैं? जी हम लोग फैसलाबाद, इस्लामाबाद और लाहौर, और लाहौर में तो अपना क्लिनिक बना लिया है ओके, और अब इंशाल्लाह फैसला इस्लामाबाद में भी रेडी हो रहा है। माशाल्लाह, फैशन के हवाले से कुछ कहना चाहती हैं आप? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप फैशन को फॉलो करें और फैशन को लाइक करें और हैप्पी रहें, चिल करें। वेरी नाइस डॉक्टर साहब। डेंगू के हवाले से बात आखिर में करना चाहूँ कि ज़रूर पेशेंट को इंपॉर्टेंस दीजिए, बुखार हो फौरन कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर के एडवाइस पर अमल कीजिए, खुद से ट्रीटमेंट ना कीजिए, और ओबेसिटी के हवाले से अपनी ज़िंदगी में थोड़ा कम का इस्तेमाल कीजिए, मशरूबात कम कीजिए, मीठा कम कीजिए, डाइट में अपने कंट्रोल कीजिए। ऐसा ना हो हमारे पॉलिटिशियन सुन रहे हैं और भी इतना कम हो गया है, और भी बिल्कुल कम हो जाएगा, बहुत कुछ कम हो जाएगा। हाँ बहुत कुछ कम हो जाएगा, बोले थोड़ा कम बोलो ना, मैं आपने डॉक्टर साहब ने कहा था थोड़ा कम, तो हमने बिल्कुल ही कम कर दिया। बट यू राइट, आई थिंक आप अगर थोड़ा खाते हैं, कम खाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और पेट अगर भूख रख के खाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं। वर्जिश ज़रूर कीजिए, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड बाय द वे, हम एक चैलेंज भी लेने जा रहे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको अंदाज़ा नहीं है कि शो किस तरह का होगा, हम एक चैलेंज भी लेने जा रहे हैं। मैं 10 लोगों को पिक करूँगा पूरे पाकिस्तान से, 10 पीपल, एंड दे आर गोइंग टू बी विद मी फॉर अ मंथ, एक महीने वो मेरे साथ रहेंगे और एक महीने उनकी पूरी वेट ट्रांसफॉर्मेशन होगी और यहीं होगी, इसी शो के अंदर होगी। अब वो कैसे होगी ये आप मुझसे नहीं पूछेंगे, बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे, अभी तो मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं, कहीं भी हैं, किसी भी जगह हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप शो देखते रहिए, बिकॉज आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आपके साहिब के पेज पे जाइए, उसको लाइक कीजिए, आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली हम क्या बात करें। मैंने अभी आपको बताया ना, देखिए वर्जिश इसेंशियल है, और हम जब आपके साथ आएंगे एक दिन ये सेट खुलेगा इसी तरह से, और आपको सब कुछ बिल्कुल नया नया नज़र आएगा। मेरे अलावा मैं साथ हूँगा, पहले फिर बता रहा हूँ ताकि कोई स्पेकुलेशन ना हो, ये लाइव शो है, कोई स्पेकुलेशन ना हो, मैं कहीं नहीं जा रहा, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, आई एम ऑल्सो हेयर, माई टीम इज़ ऑल्सो हेयर, दिस इज़ माई चैनल, TV1 इज़ द लोगो, दिस इज़ द शो। हाँ सेट तब्दील हो जाएगा, कुछ फॉर्मेट्स तब्दील होंगे, कुछ नए मेहमान हमारे साथ होंगे, कुछ नई बातें आपके साथ शेयर करेंगे। साथ साथ मैंने आपको ये बता दिया कि आप देखो यार, तुम्हारी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म होने वाली है, लिटरली ट्रांसफॉर्म होने वाली है। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी ज़िंदगी जीऊँगा और तुम मेरे साथ मेरी ज़िंदगी जियोगे। मुझे लोग जमा करने, मेकओवर को भी हम बहुत डिफरेंट अंदाज में करेंगे, इस तरह के मेकओवर्स नहीं होंगे जिस तरह के नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने जा रहे हैं जो बहुत एक्साइटिंग है, आई रियली वॉन्ट टू टेल यू गाइज, लेकिन मैं अभी आपको नहीं बता सकता, बिल्कुल नहीं बता सकता। लेकिन याद रखिएगा, सुबह 9 बजे आप नाश्ता बना लेंगे, खा लेंगे, तैयार हो जाएंगे, आपके टेलीविजन सेट्स पे हम लगे होंगे, आपके जो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन होती है उस पे हम लगे होंगे, आपके ऑफिस के अंदर हम लगे होंगे, क्योंकि हम आपके पास आ रहे हैं, आप हमारे पास नहीं आएंगे, अब हम आपके पास आ रहे हैं, कुछ नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, कुछ बहुत एक्साइटिंग चीज़ें लेके आ रहे हैं। हो सकता है देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि हमारे किसी नए ड्रामे की कास्ट आपके घर पे आके आपके साथ चाय पिए। आई मीन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। और हाँ लेकिन यार कुछ चीज़ें कुछ थोड़ा डिफरेंट करना है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करना है, और आई एम एक्चुअली गोइंग आउट, मैं आपके पास आ रहा हूँ कुछ नए सेगमेंट्स लेके, कुछ ऐसे सेगमेंट्स लेके जो हम कभी साहिर लोधी शो में किया करते थे, वो नए सेगमेंट्स हम अब लेके आ रहे हैं, आपके पास लेके आ रहे हैं, आपको मौका देंगे कि आप उसके, मुझे बताइए टाइम कितना मेरे पास, मुझे टाइम बताइए, रैप है ओके जी, आई वांट टू थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। आई नो आपको मैंने रोका, आई रियली 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 सॉरी। भाभी, वो दूसरी वाली भाभी आ गई हैं इनको लेने के लिए, तो ये भी चले जाएंगे उनके साथ, दैट्स नॉट एन इशू, कोई बात नहीं भाभी, ऐसा होता है, कोई बात नहीं, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपके साथ हूँ। हस्बैंड का क्या है, वो तो कोई बात नहीं, भाभी बिल्कुल नीचे खड़ी हैं, तो
सर जी बिल्कुल मैं जा इजाजत है मतलब मेरी तरफ से अब आपको इजाजत है भाभी मैं 12 बजे तक ही रोक सकता था मैंने रोक लिया इनको अब 12 बजे के बाद ये अब मेरे रुकने वाले नहीं है अब आप कॉल कीजिए खुद पूछिए इनसे ब्रेक है जी आपसे मिलते हैं कल तब तक के लिए खुदा हाफिज़ सो लॉन्ग जी